गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सो वेलकम वेलकम ऑल। तो मैं लास्ट बार आप सबसे बोल रही हूँ, प्लीज ये काइंडली दिखाया ओपन योर मैं वीडियोस। देखिए, वीडियो ऑन करने से क्या होता है, हम सब एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे बहुत अच्छे से। आज का जो हमारा इतना बहुत सुंदर टॉपिक है, श्री यंत्र, बदले दे जो हम लोगों का मंत्र यंत्र तंत्र ही श्री यंत्र है, राइट। जो मैंने आज तक इसके बारे में जो भी साधना किया है या जो भी इसके बारे में जाना है, और मेरे सिवा आप लोगों में से भी मुझे मालूम है, काफी लोगों को मालूम है श्री यंत्र के बारे में, यही एक सच्चाई है। तो मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कुछ इंट्रोडक्शंस करते हैं। इतने लोग कनेक्ट कर रहे हैं, इतने गया। हम सब करते हैं, ठीक है। तो कमलेश जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। नमस्कार, वेलकम देखो सर। श्री यंत्र एक्टिवेशन वर्कशॉप से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने आज 2 दिन से मैं गुरुजी ज्ञान को टेक्स्ट मैसेज करता हूँ। उन्होंने अरे वंडरफुल, कहा कि हम लोग कोई वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं आज, आप ज्वाइन कर लीजिए हमें। ओके तो गुड, मैंने जस्ट ज्वाइन कर लिया रेंडमली। मुझे कुछ भी नहीं पता आपके कोई यंत्र के। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करते क्या है सर? मैं जॉब करता हूँ। वंडरफुल। देखिए, कोई मुझे बताना चाहेगा आप सब में से, किसी को श्री यंत्र एक्टिवेशन के बारे में कुछ भी मालूम है? एनी आइडिया, किस विचार से आप क्या जानना चाहते हैं श्री यंत्र के बारे में? आप कैसे कनेक्ट किया, आपने इस वर्ड से कैसे कनेक्ट किया? क्योंकि अगर आज आप इस वर्ड से कनेक्ट कर रही हैं, तो देयर इज अ कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू। बहुत ही गहरा रहस्य। जी हेमांत जी, नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे क्लास में। बताइए सर। म्यूट यू आर नॉट ऑडिबल सर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैडम। आत्म नमस्ते मैडम। आत्मा मैडम नमस्ते। मेरी श्री विद्या की त्रयाक्षरी, पंचदशी और षोडशी की दीक्षा हुई है वंडरफुल सर, वंडरफुल। और मेरे खुद का क्रिएशन है। मैंने घर में प्लाई के ऊपर, 3x3 के प्लाई के ऊपर श्री यंत्र को ड्रॉ किया है वाओ, बिकॉज वंस यू गेट उसके। कनेक्टेड विद श्री यंत्र, देन यस मिरेकल्स मैम। हैपन ऑटोमेटिकली। वंडरफुल सर। और उसकी श्री यंत्र की आवरण पूजा, नवम आवरण पूजा जो रहती है वो सब जी हम जी करते हैं। उसका पात्रा बहुत साधन जो है, राजोपचार पूजन, वो सब करते हैं। लेकिन कुछ आपसे नया सीखने के लिए इससे ज्वाइन हुए हैं मैम। सर, वी रियली आर ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक यू इन अवर क्लास, बिकॉज आपकी एनर्जी, जो श्री यंत्र की एनर्जी, उनके साधकों की एनर्जी इतनी जबरदस्त होती है कि उसके आगे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पूरे संसार में कुछ भी है। बिकॉज द एक सत्य कहते हैं ना, द ट्रुथ, द अल्टीमेट ट्रुथ, वो मुझे श्री यंत्र से ही पता चला है। लेकिन और मैडम श्री आपसे कुछ यंत्र नया सीखना है हमें। सर, बिल्कुल डेफिनेटली आई वुड रियली लव, मेरे को जितना आता है उसमें से आप जो नया निकाल पाए आप डेफिनेटली लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। देखिए उसके मेरी खुद की जो मैडम जर्नी। हाँ उसके जो पंथ है, हयग्रीव पंथ, आनंद भैरव पंथ, दक्षिणामूर्ति पंथ, उसका सृष्टि क्रम, संहार क्रम, दोनों में से जो संहार क्रम से पूजन रहता है, सृष्टि क्रम जी से पूजन रहता है, वो सब हम कर चुके हैं। लेकिन ये ज्वाइन करने का कुछ ऐसा मतलब है कि आप जैसे गुरुजनों से और कुछ नया सीखने को मिले, इसलिए ज्वाइन किया मैडम। आत्म नमस्ते। आत्मा नमस्ते सर। हेमांत जी, आपने बहुत ब्यूटीफुल बात बोली है। देखिए, मैं आप सबको एक बहुत जनरल बात बताती हूँ। जो श्री विद्या या फिर श्री यंत्र एक्टिवेशन है, ठीक है, वैसे वास्तव में अगर हम उसको हायर उसमें जाए, तो हमें गुरु दीक्षा लेनी ही चाहिए। गुरु दीक्षा लेनी बहुत बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि गुरु एक चैनल होते हैं और वो हमें कनेक्ट करते हैं। लेकिन गुरु दीक्षा श्री विद्या में लेना सबके सौभाग्य अपने एक ना टाइम पर आता है, ये सौभाग्य होता है। ये सौभाग्य वो होता है जब आप एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल लेवल अचीव कर लेते हैं, या फिर आपको ब्रह्मांड से इनविटेशन मिलता है कुछ ग्रेट अचीव करने का। आपको एक हायर वाइब्रेशन पे जाना होता है, तभी आपको गुरु मिलते हैं, तभी आपको गुरु से श्री विद्या की दीक्षा मिलती है।
जो हेमांत जी ने बताया, मैं रियली हेमांत जी का स्वागत करती हूँ, क्योंकि इनकी जो एनर्जी वाइब्रेशन है गुरु के द्वारा है, एंड दैट इज अ वंडरफुल स्तोत्र फॉर अवर क्लास, राइट हेमांत जी? थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक सो मच। ये यू टीचर मैडम। नोज बिकॉज वो कर रहे हैं, वो जानते हैं, लेकिन मैं आपको दीक्षा नहीं दे रही, मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एटलीस्ट जानिए श्री यंत्र है क्या। हम सबके बचपन से ही, आप सबने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा ना, श्री यंत्र की एक फोटोग्राफ लगाकर उसकी यंत्र की पूजा करते हुए। हम सबके मन में जब बड़े होते रहे ये विचार आया होगा, ये यंत्र क्या है, किस लिए हम इसकी पूजा कर रहे हैं। पंडित जी ने बोला कि हाँ भाई, इससे आपको लक्ष्मी मिलेगी। कैसे लक्ष्मी मिलेगी? फोटो पे एक यंत्र आपको कैसे लक्ष्मी देगा? ये होती है बात नॉलेज की। नॉलेज एक लाइट है, जब तक उस कोई वस्तु लाइट में होती है ना, हमें दिखाई देती है, लेकिन क्या अंधेरे में आपको कुछ दिखाई देगा? वस्तु तो वहीं रहती है, राइट? वस्तु वहीं रहती है, लेकिन अंधेरे में आपको जो अवेलेबल है वो भी दिखाई नहीं देता। बट श्री यंत्र विद्या इज द लाइट ऑफ नॉलेज, जो है हमारी सृष्टि में और प्रकृति में, आपको सब दिखाई देगा। आपके साथ मिरेकल्स होने लगेंगे। जब एरोप्लेन नहीं बना था, क्या ये टेक्निक नहीं थी? इट वॉज ऑल देयर। लेकिन जब नॉलेज आई टू कनेक्ट एंड कंबाइन, तब हमें उसका यूज करने को मिला। क्या रामायण के वक्त ये टेक्निक नहीं थी? पुष्पक विमान जो था किस टेक्निक पे चलता था? टेक्नोलॉजी तो तब भी थी, करेक्ट? एम आई करेक्ट? मेरे साथ आप सब लोग प्लीज कन्वर्स करते रहिए, आपके जो पॉइंट्स हैं, आई वुड लाइक एवरीवन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट विद मी। बहुत मजा आएगा। ओके श्री विद्या है आपस में बात करने के लिए, श्री विद्या है आप में भी, वो श्री विद्या है मुझ में भी, वो श्री विद्या है, श्री विद्या अपने आप को पहचानने के लिए। आज भाई, आप अपने एक-एक एनर्जी लेवल को पहचानेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं शायद आपको दीक्षा नहीं दे पाऊँ, लेकिन वो शिक्षा जरूर दूंगी, जिसका जिसके कारण आपको दीक्षा, आपको हो सकते गुरु की इच्छा भी हो और दीक्षा लेने की भी इच्छा हो। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और आप यकीन मानिए, ये जो स्टेप है ना, आपका आज से नहीं होगा, प्रकृति आपको, यूनिवर्स आप सबको, अगर आप सब लोग इस वेबिनार में आए हैं, कभी ना कभी कुछ सालों से कुछ आपको हिंट दे रही होगी, इन द फॉर्म ऑफ सीड ऑफ लाइफ, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर ऑफ लाइफ, इन द फॉर्म ऑफ यंत्रा, कहीं ना कहीं वो आपको अपने करीब बुला रही होगी। श्री यंत्रा की तरफ जाइए, सत्य को पहचानिए, राइट? राइट। अपने आप को पहचानने की इच्छा ही होगी कि कुछ लोगों के मन में, मैं कौन हूँ, कौन सी एनर्जी हूँ मैं, है ना? आप सब में ये इच्छा हुई होगी। म्यूट माय ऑडियो बटन। या हेलो, हु इज दैट? ओके, ऑलराइट। सो टू नो योर ओन सेल्फ, आज हम इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आज आपको बताऊंगी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी ये है क्या, और इस पूरे कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है? इससे पहले आप सबके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, राइट? जैसे हेमांत जी ने बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने अपनी मन की बात बताई कि ऑलरेडी इनके दीक्षा है इनके पास, जस्ट टू नो मोर अबाउट इट वो आए हैं, ठीक है? आप में से आप सब कैसे कनेक्ट करा, क्योंकि मैं जानने की इच्छुक हूँ। इसको कनेक्ट करने वाले लोग बहुत बड़े होते हैं, उनकी किस्मत में कुछ बड़ा ही लिखा होता है, ऐसे ही कोई अचानक नहीं आ जाता श्री विद्या में। फिर उसके बाद थोड़ी सी मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताऊंगी, मैं श्री विद्या में कैसे आई, कब से आई, मेरे साथ क्या मिरेकल्स हुए। देखिए, मैंने एक बात, मेरे गुरु ने एक बात मुझे बोली, आपके साथ जो घटित होता है उसको साझा कीजिए, ना जाने वो किसकी प्रेरणा प्रेरणा बन जाए। उस दिन से मैंने अपने साथ घटित चीजों को प्रैक्टिकलिटी में सबके साथ साझा किया है, ना जाने मेरे भी कोई प्रेरणा स्रोत बने हैं, ना जाने मैं किसकी प्रेरणा स्रोत बन जाऊं। खाली एक व्यक्ति भी पूरे विश्व में चेंज लाने के लिए काफी है, और इसके सबूत हमारे मोदी जी हैं, ठीक है? तो अपने अंदर बैठी हुई उस शक्ति को जगाना, जिसको आज हम एक कह देते हैं, वी कॉल इट क्रिया शक्ति, और वी कॉल इट, है ना, कुंडलिनी शक्ति। आप सबने कुंडलिनी के बारे में सुना होगा, लेकिन कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति का
क्या कारण है, हमें क्यों जगाने कुंडलिनी शक्ति को? आप अचीव करना क्या चाहते हो? आप जिस स्टेट में हो, सबसे पहले उस स्टेट को पहचानना, और जिस स्टेट में जाना चाहते हैं उसको पहचानकर उसके रास्ते तय करना, ये है श्री यंत्रा एक्टिवेशन की जर्नी, है ना खूबसूरत? मैं चाहती हूँ आप लोग कुछ इंटरेक्शन करें, कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है। शीला जी, हेलो मैम, आपसे फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हो रही है। नमस्ते, नमस्ते, आप क्या करते हैं? मैं संस्कृत टीचर हूँ जी। अरे वंडरफुल मैम, फिर तो जी आपको उच्चारण में, आपको मंत्रों के उच्चारण में, मंत्रों के साथ तो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी। हाँ, आई वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट हाउ द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन श्री यंत्र एंड द फिजिकल बॉडी, बिकॉज डेफिनेटली सुना है वंडरफुल, कि शरीर का एक श्री यंत्र का रूप है शरीर। यस मैम, दिस इज द क्लास वेयर यू विल बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स। वंडरफुल, बिल्कुल। देखिए, दिस इज द रेलेवेंस। इन्होंने यूनिवर्स में ये इच्छा डाली कि मुझे इसके बारे में पता करना है, और उनकी ये इच्छा पूरी हुई। देखिए, हम यूनिवर्स में जो इच्छा डालते हैं ना, यूनिवर्स हमें उस चीज को दिखाता है। मुझे हर पल दिखाता है, बार बार दिखाता है, मुझे यू मिल जाता है। और जब मैं उसको एक्नॉलेज करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वो बार बार दे देता है। एक बार मांगती, मुझे 100 बार मिलता है। सोचिए, श्री यंत्र की महिमा है। यू नो योर सेल्फ। मैं कभी भी पहले मंत्रों में नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था, बड़े अरे यार मंत्र जप करना पड़ेगा, मैं नहीं कर रही, आई डोंट रिलेट टू मंत्र जप। बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। अभी मैं आपके सामने सब कुछ शेयर करूंगी, आपका भी कॉन्सेप्ट चेंज होगा। मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन चेंज हो गया। मैंने गुरु की चाह करी, मेरे पास गुरु नहीं थे। आई एम अ हाउस वाइफ, मैं घर बैठे, आई एम अ हीलर, आई एम हीलिंग फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। सॉरी, मैं आपको अपना परिचय देना भूल गई। माई नेम इज शिल्पी गुप्ता, आई एम इन दिस फील्ड, ऑकल्ट फील्ड, फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। आपको भी मेरी शक्ल से पता नहीं लग रहा होगा कि अच्छा, 22 ईयर्स में ये शक्ल तो नहीं लग रहा। मेरी एज 44 है, और आई एम इजी टू शेयर माई एज, इट्स ओके। और इनिशियली आई स्टार्टेड विद इंटीरियर डिजाइनिंग और एस्ट्रोलॉजी, दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में वास्तु स्टार्ट किया, और वहीं से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई ऑकल्ट साइंसेज में। श्री यंत्रा को मुझे 4 साल हुए हैं। 4 साल में जो इच्छा, मेरा सात्विक तत्व है। सात्विक तत्व का मतलब स्टडीज में जाना, नॉलेज में जाना। दिस इज द हंगर ऑफ लाइट ऑफ नॉलेज। सात्विक तत्व, लोगों की आदत होती है पढ़ते रहना, मेरी वो आदत है, पढ़ती रहती हूँ, नॉलेज गेन करना और फिर उसके बाद एक्सप्लोर करना। और अब ये जो नई मेरे अंदर आदत आई है एक्सप्लोर करने के बाद शेयर करना, उस आदत से आप सभी आज मेरे साथ हैं। ठीक है, तो पढ़िए और शेयर कीजिए ये न, अपनी आदत आप लोग भी आज से डाल लीजिए। शेयर करेंगे, प्रैक्टिस होगी, वो जो यूनिवर्स है ना, आपको एक बार दे रहा है, आपको 100 बार दोबारा मिलेगा। नेचुरल रेपिटेशन ऑफ हैप्पीनेस अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करती हूँ। और कोई मुझसे बात करना चाहेगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। लेट अस शेयर अवर वाइब्स। नेतल जी को मैं जानती हूँ। नमिता जी, नमस्कार। नमस्ते मैम। मैम कैन यू प्लीज रिपीट जो मैं, बिकॉज आई आई वॉज आई मिस्ड यू हैव नॉट मेरा मिस्ड आज एनीथिंग, वेबिनार है। हाँ, तो मैं यू मिस हैव कर रही। नॉट तो मिस्ड एनीथिंग, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, वी ओके आर ओके, जस्ट देन इट इंट्रोड्यूसिंग इज आवर फाइन, सेल्फ। देन इट इज फाइन। ओके मैम। राहुल या जी आई को मैं जानती मैम हूँ। आई वुड हाँ लाइक टू जी, इंट्रोड्यूस दैट आई एम इन द एकेडमी फ्रॉम पास्ट ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स, एंड आई हैव आपकी आवाज व्हाट हल्की आ आई रही है नमिता जी। मैम, अभी अभी हाँ कैसी आ ठीक है, रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, हेलो एवरीवन। आई बीन अ पार्ट ऑफ एकेडमी फ्रॉम पास्ट टू थ्री मोस्ट मोर देन 3 ईयर्स, एंड आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट ईच एंड एवरी कोर्स एंड द काइंड ऑफ ऑकल्ट कोर्सेज आई हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, विच आई वॉज सो न्यू टू मी। और मैम के साथ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, सो आई वुड लाइक टू कैरी ऑन जो भी कोर्सेज आएंगे तो मोस्टली विथ मैम। यस फॉर श्योर। थैंक यू सो मच नमिता जी, थैंक यू फॉर दीज वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर मी। आई रियली अप्रिशिएट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड। मुझे सौभाग्य मिला आप सब लोगों को पढ़ाने का, मुझे सौभाग्य मिला आप सब लोगों के साथ रहने का। आप सब लोगों की एनर्जी ग्रेट है, ग्रेट, और साथ मिलकर हम ग्रेटेस्ट हो जाते हैं।
मेरे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट, जैसे राहुल जी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जब हम साथ में क्लास करते हैं, मैं क्रिस्टल हीलिंग कराती हूँ, मैं क्रिस्टल्स पढ़ाती हूँ, राइट, मेरे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो क्रिस्टल्स के साथ हम जब मिलकर करते हैं, हम कोई मेडिटेशन करते हैं, राहुल जी बताइए उस वक्त की क्या एनर्जी होती है? नमस्कार, मेरा नाम राहुल आनंद है और मैं 31 जुलाई में 31 जुलाई 2022 को ज्वाइन किया था मैंने वेबिनार, और तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और लगातार मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। और जो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही राहुल जी। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा नाम राहुल आनंद है और मैं 31 जुलाई 2022 से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने लगातार मैंने कोर्सेज किए हैं गुरु जी ज्ञान से, और लगातार मेरी नॉलेज बढ़ रही है, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और आगे भी सीखता रहूँगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूस मैंने अपनी एजुकेशन मेरी चल रही है। तो मैंने शिल्पी गुप्ता मैम से ही मैंने पूरा 6 मंथ से ज़्यादा का काफ़ी एक बड़ा कोर्स किया है क्रिस्टल का, जो काफ़ी अच्छा था और उसमें काफ़ी एनर्जीज मुझे महसूस हुई। और थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच। देखिए जब हम कोई चीज मिलकर करते हैं ना, उसका आनंद और उसकी एनर्जी मिलकर आती है, राइट यस मैम, तो मैं श्री काफी चक्र में आप जो प्रेरित देखेंगे ना, श्री चक्र में भी ये देखेंगे, चाहे हमारे उपनिषदों में ये लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सिर्फ एक शक्ति हूँ, है ना, सनातन धर्म में ही ये लिखा है। बाकी सारी देवी देवता तो हमें रिफ्लेक्ट करने के लिए, हमारे अंदर अलग अलग जो एक तत्व है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, और वो सभी देवताओं को एक मिलाकर श्री यंत्रा बनता है जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। जब हम सबकी एनर्जी एक साथ मिल जाती है तो अहम ब्रह्मास्मि, नहीं तो हम सब अलग अलग अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो तत्व आपके अंदर ज्यादा है, उस तत्व की आप पूजा करते हैं, उस तत्व की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई दुर्गा की पूजा करते हैं, कोई विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, राइट, कोई जीसस को मानते, कोई अल्लाह को मानते, सब मानिए, सबके अपने अपने तत्व हैं, लेकिन सब जब एक मिल जाते हैं ना, वो जो हम श्री यंत्रा, अगर मैं आज इसका सिर्फ नाम ले रही हूँ श्री यंत्रा, लेकिन ये क्या है, ये है एक एनर्जी, कॉस्मिक विजडम। आज मैं आपको साइंटिफिक नेम बताऊंगी और उसकी स्पिरिचुअल नेम बताऊंगी, तो आप देखिएगा श्री विद्या कितनी साइंटिफिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी को भगवान का नाम लेकर। भगवान आप सब पे जो मैं समझाना चाहती हूँ उसकी कृपा करें और आप बहुत अच्छे से समझें हमारा आज का उद्देश्य। ओके, द टॉपिक ऑफ दिस वंडरफुल वेबिनार इज श्री यंत्रा एक्टिवेशन। इट इज अ साइंस, इट इज अ फैक्ट बिहाइंड ऑल एग्जिस्टेंस। इस ब्रह्मांड में आज जो भी एग्जिस्ट करता है, आज आप जानेंगे इसका क्या सत्य है। हम बिग बैंग थ्योरी से बात करेंगे, बिग बैंग थ्योरी से पहले की बात करेंगे। आप सब मुझे पार्टिसिपेट कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन इस कोर्स का मतलब क्या है? अगर आप ये कोर्स करते, व्हाट यू विल बी अचीविंग? देखिए, सबसे पहले आपने इस कोर्स को नहीं चुना है, इस कोर्स ने आपको चुना है, और ये कोर्स तो मैं बहुत एक नाम ले रही हूँ, इस विद्या ने आपको चुना है, राइट? अगर आज आप एक सिर्फ वेबिनार भी ले रहे हैं और इसके बारे में कुछ समझना भी चाहते हैं, तो भी इस विद्या ने आपको चुना है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। ये विद्या है मैनिफेस्टेशन की। अब हर चीज मैनिफेस्टेशन की ही होती है। आप सब में से बहुत लोग ऑकल्ट साइंसेस में होंगे, राइट, या फिर इंटरेस्ट रखते होंगे, तो आज हम कोई भी ऑकल्ट साइंसेस में क्यों आते हैं, हमें कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अधूरा रह जाता है, उस अधूरे को पूरा करने के लिए हम कोई ना कोई ऑकल्ट साइंसेस में आ जाते हैं। हम पूजा पाठ कब करते हैं? जब कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, हे भगवान ठीक कर दे, हे भगवान ठीक कर दे, मैं ये प्रसाद चढ़ाना है, ये प्रसाद चढ़ाना है ना, मंत्र शुरू कर देते, हरिओम हरिओम हरिओम। हम सबके साथ यही रहता है, ठीक है? तो दिस इज एन आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। कोई बुराई नहीं है यूनिवर्स से कुछ मांगने में, बिकॉज यूनिवर्स ने तो ऑलरेडी हमें दे रखा है। मांगने का मतलब ये होता है, आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए, जो चीज आपके पास नहीं आ रही, जो भगवान ने ऑलरेडी, जो इस यूनिवर्स ने एक टेम्पलेट बना रखा है, तो आपके टेम्पलेट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। एक टेम्पलेट है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, तो आपको वो चीज नहीं मिल पा रही, तो आप उस टेम्पलेट की ब्लॉकेज को जो
एड्रेस कर रहे हैं, ये भगवान मुझे ये दे दे, आपको कुछ चीज मांगने की जरूरत पड़ी है तो आपके उस टेम्पलेट के उस पार्ट में ब्लॉक कीजिए, नहीं तो आपको मांगने की जरूरत नहीं होती। ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पूरे यूनिवर्स में सबके लिए सब कुछ है, आप इस बात को मानेंगे मेरे से? विल यू अग्री विद दिस? पहले इस बात पे थोड़ी सी बात करते हैं, राइट? क्योंकि अगर आप अपने भगवान से कुछ मांग रहे हैं लेकिन ऑलरेडी यूनिवर्स ने सब चीज सबके लिए दे रखी है, तो इसका मतलब जो चीज आप मांग रहे हैं उसमें ब्लॉकेज है, तो क्या आपको आसानी से मिलेगा? हमने ये तो समझ लिया हमें मांगना है, लेकिन हमें अगर ये समझ आ जाए कि उस टेम्पलेट में उस पार्ट में ब्लॉकेज है, चलो उस ब्लॉकेज को हटाए, तो जो ऑलरेडी आपके लिए क्रिएटेड है क्या आपके पास वो आएगा या नहीं आएगा? क्या वो गिल्ट आएगी मन में कि हम क्यों मांग रहे हैं? वो तो गिल्ट आनी ही नहीं चाहिए। मांगने का प्रोसेस तब शुरू हुआ जब वो ब्लॉकेज आई। अब हमें दो चीजों पे फोकस करना है, वो ब्लॉकेज क्यों आई फर्स्ट, और वो ब्लॉकेज आई किस पार्ट में ब्लॉकेज आई। पहला, वो ब्लॉकेज क्यों आई, इसके बहुत सारे सिद्धांत हमारे उपनिषदों में है, वेदास में है, कर्मा थ्योरी, री इंकारनेशन थ्योरी, राइट? जो कर्मा थ्योरी है, हमें अपने कर्मों का एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो इसका मतलब अगर आज हम श्री यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, हमें यूनिवर्सल लॉस के बारे में सबसे पहले अपनी नॉलेज को ब्राइट करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन यूनिवर्सल लॉज जिसके बारे में हमें अपने आप को एकदम शार्प करना पड़ेगा, हमें उनको मानना पड़ेगा। जब तक हम यूनिवर्सल लॉज के बारे में अच्छे, हम सबको पता है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक्सपीरियंस तो सभी के वही होंगे जो यूनिवर्स है। यूनिवर्स का लॉ है कि जो क्रिएट होगा वो खत्म भी होगा, लेकिन हम कहाँ फंसे हैं? हे भगवान, और उम्र दे दे, थोड़ा सा और जीने दे। नहीं, अभी इनको इनकी एज और बढ़ जाए, उनका ये और हो जाए, है ना? एक्सेप्टिंग, जो आएगा है उसे जाना है, हंसना रोना आना जाना, राइट? हम तो अटक जाते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो सबसे पहले इस क्लास में जो मैं इंक्लूड करूंगी, इट इज ऑल अबाउट फ्यू यूनिवर्सल लॉस जिसके ऊपर हम सबकी लाइफ चलती है। अपने आपके अंदर वो आप लॉस डाल लीजिए, आपके ब्लॉकेजेस आधे वहीं खत्म हो जाएंगे। उन लॉस की एक लिस्ट बना के आप अपने आगे, एक कहीं भी अपने हार्ड बोर्ड पे लगा लीजिए, कहीं भी अपने सामने लगा लीजिए, आप देखिए आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। क्या आप जो भी मांग रहे हैं या फिर जो भी करना चाहते हैं, इज इट अगेंस्ट यूनिवर्सल लॉ और विद यूनिवर्सल लॉ? जो विद यूनिवर्सल लॉ है ना, तो वो चीज देर सवेर आपके साथ होगी ही होगी, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कार्य करते रहिए, वो हो जाएगा। लेकिन इफ दैट थिंग इज अगेंस्ट यूनिवर्सल लॉ, आप कुछ भी कर लीजिए, आप उल्टे भी लटक जाइए, कितनी पूजा पाठ कुछ भी कर लीजिए, आपको कभी नहीं मिलने वाला। डिफाइन योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट टू हैव, फॉर दैट यू शुड हैव दैट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉज। एम आई राइट मीना जी, मीना गुप्ता जी? हेलो मैम, नमस्कार, पहली बार हम आपसे जुड़े हैं, हेलो मैम, नमस्कार। पहली बार नमस्कार आई हूँ जी। जी। मैं जी एस्ट्रोला जी, न्यूरला जी और ओमकारा विथानी, बहुत सुंदर, काफी बहुत कोर्स कर सुंदर, लिए हैं। बहुत हाँ, सुंदर काफी मैम। कोर्स किए हैं। आज मैंने आपको टच करके देखा है तो मैंने अच्छा सोचा अच्छा आपका वेबिनार जरूर अटेंड करूंगी। एक्चुअली ये जो सारे यंत्र है मैं पूजा में बनाती हूँ। जी जी बहुत काफी समय सुंदर। पहले मेरे गुरुदेव बनाते थे पर अरे वो वाह, अचानक शांत हो जाने से थोड़ा सा मैं मिसगाइड हो गई हूँ, अच्छा, तो मैंने सोचा क्यों ना कोर्स कर लिया जाए, इसलिए बहुत मैं आई। सुंदर मीना जी, बहुत सुंदर। देखिए कितने बड़े, कितने एनर्जेटिक लोग हमसे जुड़े हैं। आई एम रियली हैप्पी टू सी जी यू, ऑल योर फेसेस एंड ऑल योर एनर्जीज इज वाइब्रेटिंग दिस क्लास अमेजिंगली। सो मीना जी, आप बताइए, जैसे हम बात करें यूनिवर्सल लॉस के बारे में, हम सब सोचते हैं ना उसके जी बारे में, क्या आप कभी मांगने से मैं पहले ये सोचती सोचते हूँ, हैं? बहुत से काम करते हैं पर वो रुक जाते हैं तो मैं उसको विराम कर देती हूँ। इसलिए कर देती हूँ कि हो सकता है सामने वाले को नहीं मिलना है या तो उसके लिए आपकी कुछ लाइफ नया आसान हुई, होगा, तो ऐसा आपके लिए कुछ। लाइफ आसान हुई यूनिवर्सल लॉस के साथ चलने पर? मैडम मैं इसमें 20 इयर्स से हूँ, मेरी लाइफ तो इतनी आसान है कि मैं आपको बता नहीं सकती। काफी आसान है अमेजिंग, और यस मैं लोगों के काफी काम भी करती हूँ। यस हाँ, और यस, जिसका यू आर द जिसका नहीं चोजन वन होता है मैं मैम, उसको साफ बोल देती हूँ कि ये काम आपका नहीं होगा। हाँ जी जी, यू आर द यूनिवर्स पे चोजन छोड़ वन, दीजिए, उसको जो देना है वो देगा। हाँ बस, मैं यही है। सबको यही एडवाइस देती हूँ। वंडरफुल मीना जी, थैंक यू सो मच। ओके मैम।
दीज वर द ग्रेट थैंक यू वर्ड्स। और थैंक ये देखिए ये ही है, ये सब आप लोगों को जानना है, जो होना है वो होना है, जो नहीं होना वो नहीं होना, लेकिन आपको ये पता करना पड़ेगा क्या होना है और क्या नहीं होना। ठीक है, डू यू अग्री विद मी? प्लीज आप सब लोग अपनी विंडोज ऑन कीजिए, और मुझे मजा है आप लोगों को बताने में, आपसे इंटरेक्ट करने में। हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत कम विंडोज ऑन है, और थोड़ा सा इसे इंटरेक्टिव बनाइए। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, प्लीज कम आउट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉज सबसे पहली एक चीज है जो हम करेंगे, जो हमें बताएगा कि हमारे कर्म क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है। आज हम किसी भी ऑकल्ट साइंसेस की तरफ जाते हैं तो कुछ पाने के लिए जाते हैं, यही जाते हैं ना, शांति पाने के लिए जाएंगे, धन पाने के लिए जाएंगे, अच्छी हेल्थ पाने के लिए जाएंगे, यही एक मेन चीज है, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए जाएंगे, राइट? तो लेकिन इन सब पाने के, मैनिफेस्टेशन के लिए तो यूनिवर्स ने आपके पास बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं, लेकिन आपको उन टूल्स को यूज करना आना चाहिए। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद कोई चीज शुरू होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम श्री यंत्रा में जब हम बात करते हैं तो मैनिफेस्टेशन आ गया, लॉ ऑफ यूनिवर्स आ गया। अब हम कहते ये कह रहे हैं इसके अंदर, आप अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैनिफेस्टिंग एनीथिंग यूजिंग द सिंबल ऑफ एवरीथिंग, कुछ भी मैनिफेस्ट कीजिए, ये एक सिंबल है ऑफ मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग। तो आप इसके एक-एक शब्द पर ध्यान दीजिए, मैनिफेस्टिंग जो हम बात कर चुके, एनीथिंग कुछ भी, बिकॉज संसार में जब कुछ उत्पन्न हुआ उसके बाद कुछ नहीं है, उससे पहले कुछ नहीं था। एनीथिंग का मतलब यही होता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यूजिंग द सिंबल, दिस इज अ सिंबॉलिक, ये एक सिंबल है, ये एक यंत्र है, ये एक टेम्पलेट है ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इससे अलग है। अब इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्चेस बहुत हो चुकी, ये तो आज हम लोग आपस में बात कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन क्या हमारे पहले, क्योंकि ये जब आप हाँ समझ लीजिए, ये जो सिंबल है ना, ये किसी ऋषि ने नहीं बनाया, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अपने आप उत्पन्न हुआ है, ये ज्ञान है जो अपने आप उत्पन्न हुआ है, ऐसे नहीं कि किसी के सामने जमीन के अंदर से उत्पन्न हुआ, नहीं। जब सेजेस मेडिटेशन करते हैं, उनको जो देवी देवता आके उनको, चलो देवी देवता छोड़िए, उनकी कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस माइंड से जो उत्पन्न होता है, ये वहां से उत्पन्न हुआ है। आपको पहले से ही ये पता होगा कि हमारी जो पहले सभ्यता थी वो श्रुति और स्मृति की सभ्यता थी, है ना? जो ऋषि थे वो क्या करते थे, वचन, अपने वचनों से बोलते थे, और जो स्टूडेंट्स होते थे वो सुनते थे, सुनकर स्मृति में ध्यान रखते थे, याद रखते थे, फिर वो आगे फिर से वो श्रुति और स्मृति में आता था, कि वो वाचन करते थे, फिर श्रुति और फिर स्मृति, यही टेक्निक थी। तो वो जो श्रुति करते थे, जो सुनते थे, कहाँ जाता था उनके सबकॉन्शियस माइंड में, है ना? इट इज अ साइन विच हैज इमर्ज इमर्ज फ्रॉम द इनर लेवल्स, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एनीवन। तो सबसे पहले आज तक हमारे जो वर्ल्ड में कोई भी चीजें आई है, तो हमने हर चीज को देखा है, वो चीज उत्पन्न कहाँ से हुई, है ना, वो चीज उत्पन्न कहाँ से हुई। तो इसका भी श्री यंत्र के बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई कि उसके वो उत्पन्न कहाँ से हुआ, तो यही आया कि वो उत्पन्न नहीं हुआ, वो प्रकट हुआ है, राइट? हम इसको समझेंगे एनर्जी के फॉर्म में। ये तो हमने कह दिया, देखिए स्पिरिचुअल बातें ना, जो हमने प्रमाणित नहीं कर रखी होती, वो हम कहते हैं कि बड़ी फिक्टिशियस है, राइट? कहानियां बनाई हुई हैं, हम उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम इसको अलग अलग पहलुओं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि श्री यंत्रा पे बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है, रिसर्चेस आपके हर देश के साइंटिस्ट कर चुके हैं, उसकी एनर्जी देखकर कर चुके हैं। अब हम अल्बर्ट आइंस्टीन पे आते हैं, ही सेज एवरीथिंग इज एनर्जी विच वी ऑल्सो नो। अगर आज हम जो हमारी बॉडी है एटम से बनी है, ये मालूम है, साइंट ये रिसर्च हो चुका। कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया, जो एटम्स है ना उनको भी एक साथ कोलाइड करके, ये राजस्थान में पोखरण में हुआ था, बहुत बड़ा ये हुआ था रिसर्च, एटम्स को एक साथ कोलाइड किया तो सबसे छोटा जो पार्टिकल ऑफ एटम आया, दैट इज क्वार्क। अगर किसी को मालूम हो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एटम इज द क्वार्क,
और उस क्वार्क को भी जब उन्होंने डिसॉल्व करने मतलब देखा कि व्हाट इज दैट, वो मैटर है क्या, राइट, तो उसके अंदर से निकला साउंड एनर्जी. क्वार्क इज नथिंग देन एनर्जी एंड साउंड. तो हमारा जो पूरा अस्तित्व है, जो आज हमें पूरे फिजिकल वे में दिखता है, मैटर जो दिखता है, पंच तत्वों में जो दिखता है, व्हाट इज दैट, अगर हम उसकी पूरी डिवीजन कर दें तो दैट इज ओनली द एनर्जी, द साउंड एंड द वाइब्रेशन. ओके, एवरीथिंग आज हमारे जो आपके सामने सब दिख रहा है ना, बट व्हाट वी आर द कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रेविटी. ओके, जो एक ब्रह्मांडीय सच है, ट्रुथ है, बहुत बड़ा. वी आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स विच हैव डिफरेंट ग्रेविटीज, विच हैव डिफरेंट टेम्परेचर. जब किसी भी टेम्परेट को ऐसी डिफरेंट ग्रेविटी और टेम्परेचर मिलता है, वो अपना आकार ले लेते हैं. अगर आज हम ह्यूमन बीइंग्स की, जो हमारी सीड होता है, हर सीड में एक ग्रेविटी होती है, राइट, वो जो ग्रेविटी, आप देखिए सीड, अगर पौधों के बहुत सारे सीड्स एक साथ रख दो, आपको पता चलेगा कौन सा गुलाब का है, कौन सा गेंदे का है, आपको पता चलेगा. लेकिन वो सीड जानता है उसके अंदर कितनी ग्रेविटी है, वो अपना काम उसी हिसाब से करेगा. और जब वो फलेगा फूलेगा तो गुलाब अलग आएगा, गेंदा अलग आएगा, सब एक दूसरे से अलग होंगे. क्यों अलग है, आपने कभी सोचा है क्यों अलग है? और यही काम आता है श्री यंत्रा. श्री यंत्रा ही वो एक टेम्पलेट है जिसने ये सारी चीजें क्वांटिफाई किया है. एवरीथिंग इज एनर्जी एंड दैट्स ऑल देयर टू इट. पूरी पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है. मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वॉन्ट. आप जो चाहते हैं ना, उसकी एनर्जी क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ होती है. आज आप एक बात बताइए, आज आप यहाँ बैठे हैं, आपने रेडियो को ट्यून कर दिया 98.1 पे, आपके पास रेडियो मिर्ची आ गई. आप उस कोई भी सॉन्ग सुनिए, क्या आपने कोई वायर्स लगाई है? यू आर ओनली टैपिंग इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एनर्जी. ये तो हम सबने कर रखा है ना, वो सब भी छोड़िए, आप सबके पास एक मोबाइल है. आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं एक वाईफाई राउटर के जरिए आपसे कनेक्शन है. आप सब साक्षात मेरे सामने प्रकट हुए हुए हैं. मैं आपके सामने प्रकट हुई हुई हूँ. हम वी आर टैपिंग इनटू द एनर्जी, वी आर टैपिंग इनटू सर्टेन एनर्जी. आपने चाहा कि आप आज ये क्लास कर लें, क्योंकि आपके पास ये टेक्निक थी कि आप इस क्लास के लिए लिंक को क्लिक करें और हम एक दूसरे के सामने आ जाए, तो हमने वो कर लिया. लेकिन उन सब चीजों की टेक्नोलॉजी कहाँ गई जो हम चाहते और हमें नहीं मिल पा रही है? उनके लिंक कहाँ है, कहाँ है वो मेरे अबंडेंस के लिंक जो पूरे ब्रह्मांड में आज इधर उधर तैर रहे हैं और वो मेरे पास नहीं आ रहे? वेयर इज द लिंक टू दैट अबंडेंस एंड वेयर इज द लिंक टू दैट वंडरफुल हेल्थ? वेयर इज द लिंक फॉर ऑल माई हैप्पीनेस? यस, यू आर फाइंडिंग द लिंक्स टू ऑल दीज थिंग्स एंड श्री यंत्रा इज द आंसर टू ऑल ऑफ दीज. आइए जानते हैं कैसे. हम बात करेंगे, हम शुरुआत करेंगे बिग बैंग थ्योरी से. एलिमेंट्री स्कूल में हम सबने समझा व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी. एक एटम में ब्लास्ट हुआ, राइट, एनर्जी का एक्सपेंड हुआ और ब्रह्मांड बने, है ना, यही है ना, यूनिवर्स बना. अब इसकी थोड़ी सी हम इंट्रिकेट एक डिटेल में जाते हैं, कौन सा एटम, उसके अंदर ऐसा हुआ क्या, वो एटम क्या था. आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये आप देख रहे हैं, मेरा कर्सर देख रहे हैं बिग बैंग पे. एक जो जो फर्स्ट एटम था, फर्स्ट एटम के अंदर इसको हम बोलेंगे एक कॉस्मिक फोर्स, हो जो होता है ना, कॉस्मिक फोर्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड ओम. आज ब्रह्मांड में साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके क्या है, कौन सी साउंड है, इट इज ओम. अगर मैं ओम की भी बात नहीं करूं, मैं सब एक फ्रीक्वेंसी की बात करती हूँ, वो बाय चांस हमें ओम के रूप में सुनाई दे रही है, लेकिन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसने इस एटम के अंदर एनर्जी को वाइब्रेशन के रूप में ले आया. ये एनर्जी एक एटम के अंदर गई, कुछ समय तक इसने इतना ज्यादा उसके अंदर हलचल प्रोड्यूस कर दिया, इतनी ज्यादा एनर्जी हो गई कि वो समा नहीं पाई. और जब वो समा नहीं पाई तो वो एक बिग बैंग के जरिए, राइट, वो बिग बैंग के जरिए उसने ब्लास्ट किया, जिसने जिसको हमने दिया बिग बैंग थ्योरी का नाम, जो 1920 में एक साइंटिस्ट ने इसका प्रूफ के साथ वो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए. जब ये प्रूफ के साथ कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, देखिए तब भी बहुत ज्यादा हुआ था कि उनको बहुत सारे लोग
बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए थे कि इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए या फिर अलग अल्टरनेट स्टेट को के लिए, बट अल्टीमेटली सबने आकर इसी को प्रूव किया, क्योंकि हमारे पास इन सबके प्रूफ्स हैं। प्रूफ्स क्या है? एज ऑफ द स्टार्स, एज ऑफ, क्योंकि वो दे वर एबल टू डिटेक्ट इट। उसके बाद हमने ओम साउंड, पूरे यूनिवर्स में एक ओम साउंड सुनी है जो हमने सन के अंदर भी सुनी है। अगर आप न्यूज देखते हैं, अगर आप ये सारे चैनल्स देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सन के अंदर की साउंड क्या है, वो भी है ओम। लेकिन ये सब अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर है। ओके, तो कॉस्मिक फोर्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड ओम इनिशिएटेड मूवमेंट इन एन एटम। दिस फोर्स इज द विल ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले जब बिग बैंग थ्योरी हुई ना, उससे पहले हमें नहीं मालूम क्या था। अगर हम कह देंगे ब्रह्मांड नहीं था, वो हमारी सिर्फ एक कल्पना होगी, मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम क्या था। लेकिन अगर ये ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस फोर्स की विश मैनिफेस्टेशन हुई है कि मैं एक प्रकट होना चाहता हूँ, एक एनर्जी प्रकट होना चाहती है। वो एक विल पावर थी, तभी वो इसके अंदर वाइब्रेशन आई। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने इनिशिएट किया, किसी एनर्जी ने, किसी भी कॉस्मिक एनर्जी ने एक इनिशिएशन लिया। ठीक है, एक फोर्स था, वो फोर्स ने चाहा कि मैं अपने आप को दर्शाऊं, मैं मैनिफेस्ट हूं। वो आया बिग बैंग। तो सबसे पहली चीज क्या आई? एटम के अंदर एक विल, क्योंकि पहले कॉन्शियसनेस नहीं थी, लेकिन जब वो ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर कॉन्शियसनेस आई। एंड कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस आप सब में से मुझे कौन बताएगा? देखिए, हम सब बहुत सच में कुछ ना कुछ तो सोचते हैं, हर कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं। आप में से बताइए, आप मुझे में से कौन मुझे बताएगा व्हाट इज कॉन्शियसनेस? बिलीफ सूर्य, सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। अच्छा, ओके, और बताइए। प्लीज बी पार्टिसिपेटिव। आप लोगों को भी देखिए यहाँ पे बहुत ज्ञान मिलेगा, और ये ज्ञान हमेशा हम लोगों को मौका नहीं मिलता है। आज आपको मौका मिला है, आप सब लोग इसका फायदा उठाइए, बहुत प्यार से लेते हैं इसका फायदा। अब मैं भी आपको मैम पूरी दूंगी मैम नॉलेज, जागृत आप भी। अवस्था जी मैम जागृत, एरिस्टॉटल मैम अब कॉन्शियसनेस इज द अवेयरनेस की जो स्टेट होती है ना, दैट इज कॉन्शियसनेस, लाइक वंडरफुल वंडरफुल, जागरूकता। दैट अवेयरनेस की अवेयरनेस यस अवेयर पंकज स्टेट, जी, यस बिल्कुल नमिता जी, अवेयर से वंडरफुल। मैं यही तो कह रही हूँ, आप सब लोग मेरे साथ इतने अवेयर हैं, तो आपकी कॉन्शियसनेस अभी मेरे साथ होनी चाहिए। बी अवेयर नाउ, ओपन योर विंडोज एंड बी इंटरेक्टिव नाउ, प्लीज ऑल ऑफ यू ओपन योर विंडोज। बहुत मजा आएगा। देखिए, बड़ा अच्छा एक टॉपिक है ये, कि क्या है ना कॉन्शियसनेस? क्या है कॉन्शियसनेस? इज द अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। अभी मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ये मेरी कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस। आज आप अवेयर हैं कि दिस वेबिनार इज गोइंग ऑन एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुगेदर, दिस इज अवर अवेयरनेस, राइट? ये होती है कॉन्शियसनेस। तो जब बिग बैंग हुआ, तो आई एक अवेयरनेस, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आई। आपको मालूम है ये साइंटिफिकली क्या प्रूव है? आप देखिए इस डायग्राम में देख पा रहे हैं बिग बैंग, और उसके बाद देख पा रहे हैं डार्क एजेस। ये जो डार्क एजेस चली ना, 380,000 साल के लिए चली है। 380,000 साल तक के लिए, देखिए इस एटम के अंदर वो इतनी जबरदस्त एनर्जी का ब्लास्ट हुआ कि कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था, और सिर्फ थी सिर्फ एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस। तब तक ये जो मॉलिक्यूल्स ब्लास्ट हुए थे ना क्वार्क में, क्वार्क क्या होता है? इट इज अ क्वार्क अकेला कभी नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री क्वार्क मेक प्रोटॉन। तीन क्वार्क एक साथ मिलाकर प्रोटॉन बनाते हैं। और एक एटम क्या होता है? एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना? यही होता है ना एटम। और एटम का भी और एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्वार्क, विच इज अ थ्री पार्ट्स ऑफ क्वार्क इक्वल टू वन प्रोटॉन। ठीक है, तो जब क्वार्क्स ने अपने आप को सेटल किया, लेकिन अब आप देख रहे, इसी डायग्राम में देखिए, और आप अभी मैं आपको ड्राइंग्स दिखाऊंगी, लेकिन आप खुद आप समझिए, सभी कुछ ब्रह्मांड में एक ही डिजाइन में बनता रहा, सर्कुलर, गोल गोल, गोल प्लैनेट्स, गोल सन, गोल स्टार, गोल ब्लैक होल। कितनी सारी, आज आप नासा की हबलर से देखें ना, कितनी सारी तस्वीरें आती हैं, सब गोल हैं, स्पाइरल फॉर्म में, गैलेक्सी स्पाइरल। तो ये शेप कहाँ से आ गई हमारे पास? चलिए एक शेप आई, बाकी सारी शेपें ऐसी क्यों हो गई?
आपने सोचा, यही सोचा, सबने सोचा, और यही सोचकर हमारा हम इस बात पर आए कि आखिर ये है क्या। ठीक है, फिर जब हमें ये समझ आया कि पूरे ब्रह्मांड में एक साउंड ने इतनी हलचल मचा दी कि भाई एक एटम के अंदर उसने ब्लास्ट कर दिया, वो बिग बैंग थ्योरी बन गई, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, वो साउंड है क्या। ना जाने कितने कितने साइंटिफिक उसके ऊपर रिसर्चेस हुई है, लेकिन एक रिसर्च जो मैं आज आपके सामने लेकर आ रही हूँ, वो रिसर्च आपके सामने पूरा का पूरा इसका एक सीक्रेट खोल देगा। राइट, हर आवाज की एक आकृति होती है, क्या किसी को ये मालूम है। यहाँ पे बताइए, मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करना चाहती हूँ, आप में से कौन मुझे बताएगा कि आपको ये मालूम है हर आवाज की एक आकृति होती है। डू यू नो। तविशा जी नमस्कार, कैसे हैं आप। नमस्ते, आप कैसे हैं मैम? मैं बहुत बढ़िया, आपको दिख ही रही हूँ। जी एक्चुअली मैम, आवाज की फ्रीक्वेंसी तो होती है, लेकिन हाँ, उस फ्रीक्वेंसी से एक शेप बनती है, ये यस, हर मुझे आवाज की, पता है। अब बिल्कुल। और उसको क्या कहते हैं हम, ये नहीं पता कि क्या कहते हैं, बट उसको हाँ हम शेप कहते हैं, बनती है, रेजोनेंस। जी मैम देखिए साइंटिफिकली उस टेक्निक का नाम है सीमैटिक्स, CYMATICS। आज आप सब लोग गूगल करके, क्लास के बाद, अभी नहीं, गूगल करके इसके बारे में पूरा देखिएगा, थोड़ा बहुत इसका अंश मैं आपको क्लास में बता रही हूँ, इससे आपको अंदाजा होगा मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। एक टेक्निक होती है सीमैटिक्स, इसका एक इक्विपमेंट होता है टोनोग्राफ। ठीक है, टोनोग्राफ इज एन इक्विपमेंट जो फ्रीक्वेंसी को एक शेप देता है। मैं आप देखिए इसका ना वीडियो आप नाम देखिएगा, लेकिन मैं इसके कुछ पिक्चर्स आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ। हर साउंड की फॉर्म होती है, और टोनोस्कोप से हम ये जान लेते हैं कि क्या उसकी क्या शेप है। तो जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, हमें क्या मिला, जो ओम साउंड है, राइट, देखिए ओम साउंड साइंटिफिकली प्रूवन, दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम दी न्यूज़पेपर और सम रिसर्चेस, अ कंपैरिजन ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन द श्री यंत्र मंडला एंड अ टोनोस्कोप पिक्चर ऑफ द ओम साउंड। ओम साउंड को सिमैटिक्स में जब टोनोग्राफ पे पिक्चराइज किया गया, इट टुक द फॉर्म ऑफ श्री यंत्रा, इट्स अ मैजिकल यू नो रिसर्च। ओम साउंड टुक, अच्छा ये मैंने ना थोड़ा सा ट्राई किया, मैंने खुद इसके ऊपर रिसर्च करी, लेकिन बहुत बार मेरा ना कुछ नहीं बना, ऐसा कोई शेप नहीं बनी, लेकिन जो शेप बनी बहुत सारे ना गोलाकार मंडलाकार बहुत ब्यूटीफुल शेप्स आके अपने एक के अंदर एक कंसेंट्रिक सर्कल्स बने, और भी बहुत ब्यूटीफुल शेप्स बनी, लेकिन मेरा श्री यंत्र नहीं बना। फिर मुझे मैंने और इसके आगे रिसर्च करा कि वो क्यों नहीं बना, वो मैं अभी आपके सामने शेयर करती हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि क्यों नहीं बना। और इट इज द रियलिटी दैट द ओम साउंड टुक द शेप ऑफ श्री यंत्रा। श्री यंत्रा ब्रह्मांड में एक वो सच्चाई है जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। श्री यंत्रा, हमने इसको नाम दे दिया श्री यंत्रा, लेकिन ये एक ऐसा सिंबल है जो टेम्पलेट है पूरे ब्रह्मांड का। इसका अभी मैं आपको पूरा दिखाती हूँ क्यों है, मैम, आपको भी। हम इसे ये कह सकते हैं कि इट इज अ टोनोग्राफिक इमेज ऑफ ओम। यस, मैम, इट इज अ टोनोग्राफिक इमेज ऑफ ओम, और ये एक इमेज, हम इसको एक सिंबल मान लेते हैं। ठीक है, इसको अब हम एक नाम देते हैं, सिंबल है, और जिसको बहुत सारे ऋषियों ने नाम दे दिया श्री यंत्रा। श्री क्यों दिया, बिकॉज श्री क्या होता है, इट इज ऑल धन संपत्ति एंड एवरीथिंग विच यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। अगर पूरे ब्रह्मांड में सारी मैनिफेस्टेशन इसी से हुई है, ये एक टेम्पलेट है, ये एक आप समझ लो ये एक आर्किटेक्चरल प्लान है जिसके बेसिस पे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। गेटिंग, कितनी बड़ी एक उपलब्धि मानव जाति को मिली, उसको समझ आया कि भाई अगर आप ओम की वाइब्रेशन करते हैं तो आपकी सारी चीजें, जहां से आप उत्पन्न हुए, आपकी ब्लूप्रिंट आपको जहां से मिला है, आपके सीड को जहां से ब्लूप्रिंट मिला है, वहां पे जो भी ब्लॉकेजेस है ना, अब वो ठीक करने का तरीका ये वाइब्रेशन है। हमें एक वाइब्रेशन मिली, हमें एक टेम्पलेट मिला, हमें ओम किस किस वे में मिला, साउंड के वे में, फ्रीक्वेंसी के वे में, और एक सिंबल के वे में मिला।
मतलब चाहे हम ये सिंबल रखें, चाहे हम ये फ्रीक्वेंसी रखें, हम अगर इसको ऊपर काम करते हैं ना, अब इसका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ तो श्री यंत्रा का एक इन्वेस्टिगेशन आया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द साउंड, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस डायग्राम विच वी गॉट आफ्टर द ओम साउंड, इसकी वाइब्रेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी के बाद जो हमें ये डिजाइन मिला, इसका फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ, ठीक है। अ ज्योमेट्रिक पैटर्न वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ श्री यंत्रा इज क्रिएटेड बाय द होली सिलेबल ओम। ओम साउंड प्रोपेल्ड द एटम टू वाइब्रेट एंड बिग बैंग हैपेंड। ओम साउंड ने ही इसको इसके अंदर एक एनर्जी लाया, पूरा बिग बैंग हुआ, गिविंग द होल क्रिएशन अ टेम्पलेट। फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम देखिए, स्टार्स देखिए, पूरे यूनिवर्स में कोई भी एक शेप देखिए, सबके सब एक मतलब काइंड ऑफ अ सेम शेप ले रहे हैं। इस चीज को कहते हैं फॉर्मिंग ऑफ मंडला, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर्मिंग ऑफ मंडला। आज आप मेरे पीछे का श्री यंत्र देखिए, मंडला, आज आप एक स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये श्री यंत्र देखिए, इट इज अ मंडला। मंडला क्या होता है? मंडल, आप हम एक पौधे को देखते हैं जब वो सीड के फॉर्म में होता है, ठीक है, उस सीड को आप डायरेक्शन देते हैं कि भाई तू सिर्फ राइट को ही उगी हो, या तू लेफ्ट को ही उगी हो, या फिर सीधा ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, नहीं डायरेक्शन देते ना आप सीड की, ऊपर साइड नीचे की साइड देखकर रखते हैं कि ये तो रूट है, इस तरफ तो रूट है, तो चलो उसको नीचे लगाते हैं, नहीं, इस तरफ से तो ऊपर ही जाएगा, उसमें से पेड़ उगेगा, तो ये साइड इसका ऊपर रहना चाहिए। क्या हम सीड के अंदर ये सारी चीजें करते हैं? नहीं करते ना, नहीं करते ना हम ये सारी चीजें, लेकिन अपने आप वो सारी फॉर्म लेता है, ये कौन सा मैजिक है? इतना अद्भुत मैजिक, जहां रखोगे नीचे की तरफ तो रूट्स ही उगेंगे, ऊपर की तरफ तो पेड़ ही उगेगा, कौन सा ब्लूप्रिंट है ये संसार का? इस ब्लूप्रिंट को जानने के लिए, जिसे श्री यंत्रा ये मंडलाल आकार लेता है, एक बिंदु होता है, बिंदु से उत्पत्ति होती है, बिंदु से उत्पत्ति चारों तरफ इक्वल होती है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ट्रंक होता है, फिर बढ़ता जाता है, और वो पूरा आकार ले लेता है। क्या उसका बढ़ना खत्म होते हुए देखा है आपने? देखा भी होगा, लेकिन कहाँ देखा? जहां पे रूट्स के अंदर, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आई, रूट के अंदर कोई कीड़ा लग गया, जहां पे उसको पोषण नहीं मिला, श्री यंत्रा ने, श्री यंत्रा का जो टेम्पलेट है उसने अपना ब्लूप्रिंट तो दे दिया, भाई दिस इज योर ब्लूप्रिंट, अब तुम इसी आकार के अंदर अपना उत्पत्ति करो, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आई? जहां पे उसके अंदर ब्लॉकेजेस आई, उसकी उत्पत्ति वहां। हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, हमारे बीज को एक ब्लूप्रिंट मिला, हमारे कार्मिक लेवल पे, हमारे रीइंकार्नेशन लेवल पे, हमारे आत्मिक लेवल पे, हमारी क्रिया लेवल पे, हमारी इमोशनल लेवल पे, हमारे मेंटल लेवल पे, जो जो परेशानियां अगर आप देख रहे हैं हर उस लेवल पे, या नहीं भी देख रहे, हर लेवल पे हमारे, हमें एक ब्लूप्रिंट मिला है जहां से हमारी उत्पत्ति हो रही है। हम कहाँ रुक जाते हैं? जहाँ पे हमारी ब्लॉकेज आई, अगर हम उस ब्लॉकेज को नहीं निकालेंगे तो एक लॉ है, अभी हम उस लॉ के बारे में देखते हैं कि अगर आप देख सागर में कुछ डालते हैं एक, या फिर देखिए मैं साउंड हीलिंग करती हूँ, दिस इज माय बाउल, ठीक है, बाउल ऑफ साउंड, ठीक है सबको, ठीक, ये बाउल है, इसके अंदर ना पानी डाल के जब मैं इसको स्ट्रक करती हूँ, बाहर से मैंने इसको स्ट्रक किया तो बाहर से वेव्स जाके अंदर आती हैं, फिर अंदर से एकदम को बाहर आ जाती है। आप किसी चीज को बाहर से स्ट्रक करोगे अंदर, बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड मीडियम, वाटर बहुत अच्छा मीडियम है, वो सारी फ्रीक्वेंसी को इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आपके सामने दिखाएगा, वो वेव्स, क्या मैंने उसको कोई सेंटर दिया कि भाई साइड में सेंटर लेना, इधर सेंटर लेना? अपने आप उसने उसको एकदम मीडियम सेंटर निकाल के सारी वेव सेंटर की तरफ गई अपने आप, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, जब उसका फोर्स पूरा सेंटर में लग गया, पूरी वापस आ गई। यही तरीका है, हम पहले, हमारी सोच एक विचार है, उस विचार के तरफ जाती है चारों तरफ से, जब हम उसकी कोर तक पहुंच जाते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं, चारों तरफ हमारा दिमाग जाएगा उसको अचीव करने में, यही हो रहा है। विचार आया, चारों तरफ से हमने थॉट्स लगा दिए उसके अंदर,
और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, चारों तरफ फैल गए, पूरे विचार फैल गए उसके मैनिफेस्टेशन करने के लिए। आज आपका विचार श्री यंत्र का ब्लूप्रिंट है, आज आपका होना, आपका इस सृष्टि में होना श्री यंत्र का ब्लूप्रिंट है, हमारी हर इच्छा श्री यंत्र का ब्लूप्रिंट है। आज इस संसार में, इस पृथ्वी पे, इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो हुआ, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ श्री यंत्र। देखिए फिर मैं आपके साथ साझा करती हूँ अपनी स्क्रीन। मैं जब पूरे ब्रह्मांड में सन में हर जगह ओम की साउंड है, तो हर जगह फिर श्री यंत्र ही हुआ। और आपके अंदर भी ओम के साउंड। हाँ, नेचुरली मतलब हर जगह हो गई यस ना। यस यही मैं आपको, बिल्कुल ठीक है तविशा जी, मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ। श्री यंत्रा ओम और पूरा ब्रह्मांड हम में अलग नहीं है, वी आर सेम, वी हैव द सेम ब्लू प्रिंट। एक फ्रीक्वेंसी, एक शेप है, हर यस और उस एक अक्षर फ्रीक्वेंसी है। को ही टैप करना है हमें। हाँ जी, आप समझ, आप मान पा रहे हैं कि दिस इज ऑल साइंटिफिक, आप सारी इस चीज की रिसर्च देख सकते हैं ऑनलाइन, आप खुद अब इसको जब समझेंगे। देखिए हमारे ऋषि मुनि ना आम आदमी नहीं थे, वो बहुत एनर्जेटिक लेवल पे थे। जी हेमेंद्रिया जी, मानेंगे ना आप, हमारे जो सारे सन्यासी, हमारे जो ऋषि मुनि थे, इतने बड़े बड़े देवतागण थे, हमारे गुरुजन हैं, वो सारे के सारे बहुत एस्ट्रल वर्ल्ड में सब रहते थे, सांसारिक वर्ल्ड में। आज भी श्री एस्ट्रल वर्ल्ड में है, हजारों साल उनकी आयु है, वो सब हमारे साथ एस्ट्रली अवेलेबल है, चाहे शरीर है या नहीं है। श्री विद्या को ही ब्रह्म विद्या कहा गया ना मैडम। यही तो है ब्रह्म विद्या, इसका मैंने आपको श्री विस्तार करके बता विद्या, दिया। श्री विद्या ब्रह्म विद्या क्यों है, आज मैंने आपका ऐशा साइंटिफिक, श्री महाविद्या, ऐशा श्री महामाया, ऐसा ही कहा है दुर्गा यस सप्तशती ने। हाँ यस यही महामाया है, यही महाविद्या है मैडम। इससे राइट ज्यादा इसका रिलेटेड लोपा मुद्रा और हयग्रीव ऋषि से होता है, उसके बारे में कुछ जरा बताइए सर, वो आगे आने वाले में ना, मैं धीरे धीरे, देखिए आपकी इसके अंदर विद्या बहुत जी ज्यादा मैडम। है, लेकिन हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे, जिनको नहीं मालूम है ना वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक जी है मैडम, जी जी। जी तो एक जो मंडला क्या है, मैंने आपको बोला ये जो मंडल हमने बनाया, आज हम रंगोली का डिजाइन अपनी किसी भी पूजा से पहले बनाते हैं, अपने स्थान पर देवताओं को जो हम स्थान देते हैं उसके नीचे भी एक मंडल का आयोजन करते हैं, एक मंडल बनाते हैं रंगोली के थ्रू। ये क्या है, वी आर गिविंग देम द यूनिवर्सल एनर्जी कि आप मैनिफेस्ट कीजिए यहाँ पर, राइट आपको समझ आ रहा है सबको, कोई क्वेश्चन? यस मैम। ओके अब आप मुझे, अब आया ये मेन टॉपिक, आप ये देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे क्या लिखा है, आप बताइए है क्या। हेमांद्री जी आप ही बताइए ये क्या है। ये वर्णमाला है मैडम। अच्छा आप इसको उच्चारण कीजिए, एक साथ कीजिएगा स्वर में, आ आ ये नहीं, जैसे अगर हम सारा पूरा एक शब्द बन जाए तो ये शब्द क्या है। ये तो महाविद्या के मैडम, इसे तो पंचदशी का मंत्र तैयार हुआ है। जी सर, और मैं आपको यही इलरिम बताना चाहती हूँ, हसकलरिम सकलरिम। जी सर, लेकिन ये है क्या, क्या कोई मुझे ये बता सकता है, कोई उच्चारण करना चाहेगा इसका, बताइए। ओम ओम ये है, मातृ ओम का है, है ना मैडम। आप उच्चारण कीजिए इसका, उच्चारण कीजिए। मैम ओम नहीं, ओ आ ओम, यही तो है ये। हाँ तो आप ढंग से उच्चारण तो कीजिए इसका, एक-एक शब्द का उच्चारण एक साथ मिलाकर, एक शब्द बनाकर अच्छे से उच्चारण कीजिए। अब दोबारा दिखाना, एक बार कोशिश मैं, हाँ करते हैं। मैं दोबारा दिखाती हूँ, और आप सब लोग से मेरी ये विनती है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप सब लोग इसका उच्चारण करके देखिए, और एक साथ पहले अपने मन में कीजिएगा, फिर आप मुझे बताइए। हैंड रेस कीजिएगा, प्लीज अपने म्यूट कर लीजिए, और हैंड रेस कीजिएगा कौन बताना चाहता है, फिर तो उसके बाद मैं बात करती हूँ, प्लीज रेज योर हैंड, बताइए कौन बताना चाहेगा, रेज योर हैंड, किसी को समझ आया इसको उच्चारण क्या है, काइंडली ओम रेज योर हैंड ऑल इलाकार, ऑफ यू। ओम ओम मैडम, ओम का उच्चारण सर ही आप करें। हैंड रेस करके बात कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगर बाय चांस कोई ओवरलैप कर जाते हैं ना, बात नहीं सुनाई देती। हाँ देवेंद्र जी बताइए। इसका उच्चारण ओम लग रहा है, ओम नहीं, आओ। यस आप, अब आपने आपने सही बोला, देखिए अगर आपको में से कोई नहीं बताना चाहता, थोड़ा आपने सही बोला देवेंद्र जी, मैं इसका उच्चारण आपको बताती हूँ, और ओम का सही उच्चारण ये नहीं है। यार आपको मालूम है जो हमारे ऋषि मुनि थे, इतने ज्यादा सिद्ध सिद्ध लोग थे, आज हम, हमें उनकी वैल्यू नहीं है, आज हमारे पास इतना ग्रेट मंत्र हाँ हमारे
सामने है, हमारे बच्चों को ये सिखाया गया है, लेकिन हमें पता ही नहीं ये मंत्र है। ओम एक्चुअली ओम नहीं है, ओम है आई ओम, आई ओम। और वो जो आपने टोनोस्कोप पे सिमेटिक्स में ओम की जो ट्रांस कन्वर्जन ऑफ इसका डिजाइन देखा श्री यंत्रा का, वो इस मंत्र से ही आया था, वो ओम से नहीं आया था, वो आई ओम। और इसका प्रमाण है हमारी वर्णमाला स्वर, इसको क्या नाम दिया गया है, स्वर, जो हम सबके स्वर स्वरों में होना व्यंजन चाहिए। ये देखिए, आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, हमारे इतने बड़े सिद्धगण, पता नहीं ये आधी इंफॉर्मेशन हम सबके पास आई है, पूरी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आई हम सबके पास, कहीं ना कहीं ये ब्रेकेज रहा, लेकिन दिस इज द मंत्र ऑफ मैनिफेस्टेशन, सारे हमारे सिद्ध मंत्र इसी में से निकले हैं। हेमेंद्र मैडम। जी, अब आप समझ गए, आप चाहते थे ना थोड़ा सा आप डिफरेंट जान पाए, मैं आपको सिर्फ उसकी उत्पत्ति को बताऊंगी, बाकी तो आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम भी आपसे मैडम थोड़ी सी नहीं अनोलिजेबल हैं। मैडम, मैं हाँ मैं आपका स्टूडेंट ही हूँ, आपसे सीखना ही चाहता हूँ। लेकिन मैडम एक बात ऐसी है कि कितना भी बड़ा मंत्र हो, कितना भी बड़ा स्तोत्र हो, कवच स्तोत्र हो, ये सभी वर्णमालाओं से ही आया, उससे अलग कोई भी जी, नहीं। सर असी स्वर ई तत से, जो भी स्वर जो है ना जो सर, स्वर से स्वर जो है वो बहुत, 36 स्वर जो और जो बीज 16 मंत्र वर जो है ना व्यंजन। हाँ सर, जो बीज मंत्र है ना यस सारे, वो सारे मैडम, स्वर से हैं, बीज अंगन मंत्र के चंटन तम साथ। यम शम जो है मैडम। यस, और जो बीज मंत्र के साथ जब हमारी मैनिफेस्टेशन किसी अलग अलग रूप में होती है, जैसे हम श्री यंत्र में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इतने सारे रूप हो जाते हैं, है ना, ललिता सहस्रनाम में 1000 रूप आपको श्री विद्या के बताए हैं, तो वो जो 1000 रूप है यस मैम, हमारी 1000 मैनिफेस्टेशन है, 1000 मैनिफेस्टेशन, इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन करें, इन स्वरों के साथ किस चीज का कॉम्बिनेशन करें कि आपकी क्या मैनिफेस्टेशन है, वो क्या पूरी होगी, समझ यस रहे मैम, हैं। और जब हम कहते हैं प्रेम यस से यस सर, बोलिए, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलने का मतलब है कि आपके मुख से जो भी उच्चारण निकल रहा है वो एक वो मंत्र मैनिफेस्टेशन है, स्वरूप। आप एक हर वक्त एक स्तोत्र के मोड में है, मंत्र ही निकलते हैं मुंह से। मंत्र निकलते हैं। आज हम सब एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मंत्र निकल रहे हैं। देवेंद्र जी सर बताइए। मैम ये थर्ड आई का मंत्र है, सरस्वती का आए। जी 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 सर, बिल्कुल है, थर्ड आई का, सरस्वती का मंत्र सर, मंत्र सारे हैं, लेकिन मतलब एक्चुअली ये होता है हमारे सहस्त्र नाम में अगर हम देखें तो 1000, हमने इंसान की 1000 इच्छाएं देखी हैं कि एक इंसान में कितनी इच्छाएं मैक्सिमम हो सकती हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमने उनको स्वर दिए हैं, किस इच्छा के साथ कौन सा स्वर है, हमने उसको एक परसोनिफिकेशन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी, दिस इज द परसोनिफिकेशन ऑफ द साउंड्स। देखिए आज मैं अगर आपको बोलूंगी ना श्री विद्या हमने हिंदू तंत्र से निकाला है, मैं ये नहीं कहूंगी कभी भी, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है ना सिख है ना ईसाई है, यूनिवर्स इज द यूनिवर्स, ये सारे व्हील्स हैं, ये सारे पर्दे हैं, इन पर्दे से बाहर निकलिए, इन पर्दों से बाहर निकल के हमें समझ आता है कि जो सारा पूरा एक यूनिवर्स है ना वो साउंड है, अगर हम इसको एक साउंड की इकाई में देखेंगे ना, इसकी साउंड की इकाई में आप समझिए, हमारे जो इच्छाएं हैं उसका एक मंत्र है, 1000 इच्छा 1000 मंत्र, ये हमारा इसके अंदर समझ है, इस समझ को हम उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे तो आपका वो पूरा होगा, दिस इज द एक्टिवेशन, आपको किस इच्छा की एक्टिवेशन करनी है, आपको वो इच्छा समझ ही नहीं आएगी कि आप मुझे चाहिए क्या, आपको सिर्फ वो चाहिए जहां पे आपकी ब्लॉकेज है, क्योंकि अदरवाइज तो एनर्जी वहां से फ्लो ही कर रही है, आप तो रुके ही नहीं, समझ आया सबको, एम आई क्लियर। यस अब देखिए आई ओम, ये हम हमेशा ओम के साथ नहीं करेंगे, लेकिन ओम देखिए, ओम तो एक वो मंत्र है, इसके अंदर से ही उत्पन्न हुआ एक ऐसा मंत्र है जिससे स्टार्ट हुआ है सृष्टि का, जिसे हम कहते हैं कि श्री यंत्रा का फॉर्म ले लेता है, ओम से स्टार्ट हुआ और ओम पे ही सब कुछ आके खत्म हो जाता है, उस बिंदु से स्टार्ट हुआ उस बिंदु पे आके खत्म, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एनर्जी बिंदु में गई और बिंदु से बाहर आई वो खत्म, राइट, ठीक है, ऐसे ही ओम एक वो टेम्पलेट है, अगर आज हम अपने किसी भी मंत्रों को कोई टेम्पलेट देते हैं
एक टॉर्च है, उसकी रोशनी आ रही है, मैंने ये टेम्पलेट लगा दिया, तो आपको लगता है कि वो इधर उधर भागेगी रोशनी? वो तो एक पर्टिकुलर उसी का रूप देगी ना, आकार देगी। हमारा जब बिग बैंग थ्योरी हुआ ना, ओम ने उस बिग बैंग थ्योरी को एक टेम्पलेट दे दिया, श्री यंत्रा का टेम्पलेट। अब वो जो रोशनी है ना, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो सिर्फ उसी के अंदर से होकर जा रही है, और वो कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। आपकी लाइफ कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हुई भी है ना, आप उसको वो टेम्पलेट दे दो। आप रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपकी लाइफ कहीं भी डिस्टर्ब हुई हुई है, आपकी इच्छा कहीं प्रकट होती है, इच्छा प्रकट होने का मतलब आपके टेम्पलेट में जो ब्लॉकेज है, आपको अपना टेम्पलेट, अपनी अवेयरनेस को दे दीजिए, आपकी अवेयरनेस अपने आप संपूर्णता से पूरी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये होता है श्री यंत्र एक्टिवेशन। श्री यंत्र एक्टिवेशन इज एक्टिवेटिंग योर ओन सेल्फ, जो आज हम ब्रह्मांड में खुद बने हैं। ठीक है, आई योम हम तब करेंगे उच्चारण जब हमें श्री यंत्र को अपने अंदर समाना होगा। दो तरीके से हम कोई भी चीज एक्टिवेट करते हैं, एक बाहरी तरीके से और एक अंदरूनी तरीके से। बाहरी तरीके से कि हमने मंत्र, सॉरी, हमने यंत्र लगाया, हमने पूजा, हमने देवी देवता के मूर्तियां लगाई, हमने उनकी पूजा करी, ये बाहरी तरीका हो गया कि अपने शरीर से बाहर, हमने अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर उन सबका आह्वान किया, आह्वान करके हमने उनकी पूजा करी। ये होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है अंदरूनी पूजा, वहां से एनर्जी आपके अंदर चली जाती है। जरूरी नहीं आप फर्स्ट स्टेप से शुरू करें, जिसका अवेयरनेस, जिसके पिछले जन्म में ऑलरेडी अवेयरनेस हो चुका, वो इस जन्म में ऑलरेडी इसका आवरण करेगा। इसके आवरण को हम 9 भाग में बांटते हैं, जो श्री यंत्र के 9 आवरणों को हम कहते हैं कि 9 आवरण होते हैं, 9 लेयर्स ऑफ श्री यंत्र। धीरे एक एक करके हम अपने कोर से, कोर क्या है, हार्ट चक्रा, कोर से वो पूरा मंडल बन जाता है, हमें पूरा समाहित कर लेता है। उसके ऊपर हम मेडिटेशन करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसको हम कैसे करते हैं, दिस इज अबाउट श्री यंत्र एक्टिवेशन। जी क्लियर है सबको? समझ आया हम श्री यंत्र एक्टिवेशन है क्या, श्री यंत्र क्या हुआ? देन अब श्री यंत्र, देखिए हमने समझ आया कि ये यंत्र जो है, जिसको हमने नाम दे रखा है श्री यंत्र, ये जो एक टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के बारे में आगे और रिसर्च हुई, हमें एक रेशो समझ आई, जो हमारे सभी ऑकल्ट साइंसेस में हम इस रेशो को लेते हैं, दैट इज गोल्डन रेशो। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। आज हम पिरामिड के बारे में बात करते हैं, पिरामिड को हमने रिसर्च किया पिरामिड के बारे में, और बहुत सारे हमने एंशियंट स्ट्रक्चर्स के बारे में किया, तो सब स्ट्रक्चर्स के बारे में, हर चीज के बारे में पता चला। एवरीथिंग इन नेचर इज फॉलोइंग द गोल्डन रेशो, दैट इज, किसी को मालूम है गोल्डन रेशो क्या है? 1:2। राहुल जी यू आर देयर? 1:6 6:4। जी 1:6:4 हमारी गोल्डन रेशो है। उस रेशो के अंदर इस ये पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और जो जो वस्तु उस रेशो में नहीं होती, वो हमारी आंखों को नहीं भाती। आज हम सब हैं, हम सबका आकार गोल्डन रेशो में, हमारे चेहरे का, हमारी पूरी बॉडी का, और जब वो गोल्डन रेशो जरा से डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो वो इंसान का मतलब जो अपियरेंस होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। आपको कोई चीज सुंदर लगती है ना, वो सुंदर इसलिए लग रही है, कोई फूल सुंदर इसलिए लग रहा है, बिकॉज दैट इज इन द रेशो ऑफ गोल्डन रेशो। आपको जो भी वस्तु सुंदर लगती है, वो गोल्डन रेशो फॉलो कर रही है, क्योंकि हम बने ही ऐसे हैं। हमारा जो टेम्पलेट है, जिसको हमें सुंदर, हम किस बेसिस पे, देखिए हो सकता है जो चीज मेरे लिए ब्यूटीफुल हो, आपके लिए ना हो ब्यूटीफुल, लेकिन कोई कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जो हम सबको बहुत ब्यूटीफुल लगती है, तो उनका बेसिस क्या है? देयर हैज टू बी सम यूनिवर्सल बेसिस ऑन विच वी फाइंड थिंग्स ब्यूटीफुल। वो यूनिवर्सल बेस है गोल्डन रेशो। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ गोल्डन रेशो के बारे में। देखिए आपको मालूम है, गोल्डन रेशो के हिसाब से ही जैसे हम लोग सिखाते हैं, तो कार्ड डिजाइन करना, बिजनेस कार्ड डिजाइन करना, जो लोगो ऑफ पेप्सी और लोगो को नाइकी, नाइकी है ना, दोनों ही गोल्डन रेशो पे आधारित है। आज देखिए वो कंपनीज कितना ग्रो कर रही है। आज कुछ मूवीज ऐसी हैं गोल्डन रेशो के आधार पर, उनका हमने जैसे एक मूवी थी धड़क, यस मूवी, पता नहीं किसी को कैसी लगी हो, लेकिन वो मूवी बहुत चली। क्यों चली? क्योंकि इसका इंटरवेल जो था वो गोल्डन रेशो पे था, उसका इंटरवेल 1:64 के रेशो पे था।
आपको मालूम है ये जानबूझ के किया गया था, और वो मूवी कैसी भी थी लेकिन इतना चली कि उसकी हद नहीं, यहाँ ना चली वो बाहर चली। ये देखिए गोल्डन रिशू, फूल, गैलेक्सी, आप ये शेल्स देखेंगे, शंख देखिए, राइट, है ना, ये सारे, ये सभी गोल्डन रेशो के आकार है ना, ये सभी चीजें गोल्डन रेशो फॉलो कर रही है, चाहे वो मधुमक्खी का छत्ता हो, चाहे वो कोई फूल हो उसका पराग हो, चाहे कोई फॉर्मेशन हो, हर फॉर्मेशन स्पाइरल फॉर्मेशन, ये तो बहुत कम मैंने आपके सामने डिजाइन रखे हैं। आप जीवन में हर चीज अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे कि गोल्डन रेशो ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, आप देखेंगे ह्यूमन बॉडी किस तरीके से गोल्डन रेशो में है, जो द साइज ऑफ अवर फेस इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ अवर होल बॉडी इज इन द रेशियो ऑफ 1:64, सॉरी देखो, एक को हम 1:64 में करें तो जो 3.6, सॉरी 0.36 है, वो जो पार्ट है वो हमारा फेस का आ जाता है, बाकी सारा जो 0.6 का पार्ट है वो हमारा पूरा बॉडी। ये जो रेशो है ये जब बॉडी फॉलो करती है तो हम ब्यूटीफुल लगते हैं, हमारे जो हाथ है, हमारे जो पैर है, ये सब इसी रेशो में, गोल्डन रेशो में। आप इंटरनेट पे सर्च करिए ह्यूमन बॉडी गोल्डन रेशो, आपको सब पता चलेगा। देन यू सर्च, अगर आपकी लाइफ में गोल्डन रेशो वो आपकी जिंदगी में फॉलो होते हैं किसी भी रूप में, आप सक्सेसफुल होते हैं। दिस इज अ मंत्र ऑफ सक्सेस, क्योंकि नेचर फिर उसी की उसको फ्लो में ले आता है, उसको तो उसी फ्लो में बहना आता है, उसको ये ऑलरेडी आकार मिला है, उसका ये पाथ है, उस पाथ को हम फॉलो करते तो हमें कुछ नया कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा, हम उसके फ्लो में आ जाएंगे। गेटिंग, हो सकते हैं आप लोग रीजनेट ना कर पा रहे हो, लेकिन रीजनेट करने की बहुत सारी वजह है। अब देखिए ये है ह्यूमन एम्ब्रॉय, जब माँ के गर्भ में हम लोग सबसे पहले आते हैं, एक बिंदु होते हैं, देख रहे हैं उस बिंदु से कैसे कैसे पहले दो सर्कल्स आप देखिए, फिर उसके बाद हम एम्ब्रॉय कैसे बनता है, अगर हम उसको शेप में लें तो इट बिकम सीड ऑफ लाइफ एंड अल्टीमेटली विथ फ्लावर ऑफ लाइफ वी कम आउट। हमारा जो क्रिएशन है वो फ्लावर ऑफ लाइफ से आता है। ये जो फ्लावर ऑफ लाइफ, ये जो सीड ऑफ लाइफ है, जब हमने इससे प्लॉट करके देखा तो श्री यंत्रा इससे ही उत्पन्न होता है। तो श्री यंत्रा ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी को ब्लूप्रिंट दिया है, इसने हमारे ग्रोथ का जो ब्लूप्रिंट है वो श्री यंत्रा ने बनाया है। अब ये डिपेंड करते हैं कि हर किसी को अलग अलग शेप क्यों मिली, इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी। आज हम सब लोग एक ग्रेविटी से हैं, और बहुत सारे जो हम लोग एक्चुअली क्लास में देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि हम सबकी शेप्स डिफरेंट है, हम सबके कलर डिफरेंट है, कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है जो हम सबको इतनी सारी अलग अलग शेप्स देता है। अब एक चीज आ जाती है क्वांटम फिजिक्स। देखिए आज मैं आपके साथ क्वांटम फिजिक्स डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स बहुत बड़ी एक एक्सप्लेनेशन है ऑफ द श्री यंत्र, कि कैसे श्री यंत्र इज इक्वल टू द एनर्जी सिस्टम, हम सबका एनर्जी सिस्टम, और बिकॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स विल एक्सप्लेन कि हमें कैसे मैनिफेस्ट करना है। आपको आज थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि श्री यंत्र क्या है, राइट, श्री यंत्र की कैसे उत्पत्ति हुई, श्री यंत्र हमें कैसे पता चला जब हमने ओम की साउंड को टोनोग्राफ में निकाला, सिमेटिक्स में हमें पता चला ये, अच्छा ये तो ये शेप ले रहा है, इसका मतलब ये तो हमारा ब्लूप्रिंट हो गया, हमारे पास उस कॉस्मोस का एक आर्किटेक्चरल प्लान आ गया जिसकी बेसिस पे हमारे पूरे स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए। और बिल्डिंगें कौन सी गिरती है, जिनकी नींवें कमजोर होती हैं, नींवें कमजोर क्यों हो जाती है, हम अपने कर्मों से वो नींवें कमजोर करते हैं। अब ऐसा क्या हम करें जिससे हमारी नींव मजबूत हो जाए, हम जो मैनिफेस्ट करना चाहे लाइफ में वो मैनिफेस्ट करें। दिस इज ऑल अबाउट दिस, ये क्लास इसके बारे में है, ठीक है। मैं आपको देखिए ये काफी चीजें हैं जो काफी लंबी पहुंच जाएंगी जो हम क्लास में कवर करेंगे। बेसिकली मैनिफेस्टेशन, दिस क्लास इज अबाउट मैनिफेस्टेशन, और हम यहाँ मैनिफेस्ट करेंगे। मैनिफेस्ट पांच तरीके से होता है, कोई भी चीज साउंड से, जो हमारा ब्रह्मांड इससे बना है, क्रिस्टल्स, क्योंकि ये एक नेचुरल ऐसे तत्व है जो मिलियंस एंड मिलियंस इयर्स से हम सबके साथ है। तीसरा मेडिटेशन, वो हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस लेवल पे लेके जाता है, अल्फा स्टेट पे लेके जाता है, जिससे हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। प्रेयर्स एंड देन यंत्रा, यंत्रा में आएगा श्री चक्र, जिससे हम लोग समझेंगे और उससे कनेक्ट होंगे, उससे हीलिंग कैसे करनी है।
अलग अलग बॉडी पार्ट की हीलिंग कैसे करनी है। देखिए मैंने इस चीज को ना, मैं आपको पहले ही बोल दिया, मैं आपको दीक्षा नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं नॉलेज दे रही हूँ। इसकी जितनी नॉलेज मैं आपको दे पाऊँ, हम इससे कैसे हीलिंग करेंगे अपनी बॉडी की, एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने श्री चक्र को मन में धारण कर लिया, इसमें मेडिटेशन करके धारण कर लिया, आपने इच्छा जताई गुरु की, आपको गुरु भी मिलेंगे, आपको दीक्षा भी मिलेगी, आपके पाथवेज क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ना कभी भी ये नहीं कह रही, अपनी अचीवमेंट्स को ना किसी भी चीज के सहारे मत रखिए। गुरु भी आप है, शिव एक ऐसे गुरु हैं जो एस्ट्रली सभी के लिए अवेलेबल है। अगर आपको गुरु कृपा हुई तो आपको इतने हमारे पास एग्जाम्पल्स है कि सपने में गुरु ने आके दीक्षा दे दी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मन में इच्छा होनी चाहिए, आपके साथ मैनिफेस्टेशन चमत्कार होंगे। मेरे साथ चमत्कार हुआ है, मैंने इच्छा रखी, मैंने बताया मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं घर में मोस्टली रह के सारा काम करती हूँ, मुझे घर बैठे बैठे गुरु मिले। मैं आपको कैसे बताऊँ कैसे मिलेगा, कैसे कैसे हुआ, किसका क्या फोन आया, किसका कैसे हुआ, मुझे घर बैठे गुरु मिल गए। और मुझे उनके बारे में इतनी बार मुझे टीवी से पता चला, मुझे आकर किसी ने बोला, मुझे किसी ने फोन करके बोला, मुझे किस किस तरीके से गुरु मिले, मुझे 10 तरीके से कहा कि नहीं ये आपके गुरु है, ये आपके गुरु है। मैंने गुरु का आवरण किया, मुझे एकदम से एनर्जी आ गई, गुरु की कृपा हुई, गुरु ने जब मेरे को चाहा मुझे स्वीकारा। तो आपके साथ भी ये सब चमत्कार होंगे, सबके साथ हो भी चुके होंगे। तो बस चमत्कार की कहानी है श्री अंतरा, उस चमत्कार को अगर आप समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ढालना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दिस इज ऑल अबाउट श्री अंतरा। अब मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे। देखिए श्री अंतरा इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। तो इसकी क्लास में कोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, श्री चक्र एज अ टूल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। मैंने लॉ ऑफ यूनिवर्स बताया, फर्स्ट क्लास में हम सारा लॉ ऑफ यूनिवर्स करेंगे। इक्विप्स यू विद द स्किल्स नेसेसरी टू हार्नेस द ट्रेमेंडस कॉस्मिक एनर्जीज अवेलेबल इन द यूनिवर्स। उस पूरे यूनिवर्स के एनर्जी को कैसे टैप करना है, कैसे चैनलाइज करना है, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ यंत्रा, ये हम इस क्लास में सीखेंगे। श्री चक्र हैज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द वे ऑफ लाइफ। आपकी जो लाइफ है, अगर आपका लाइफ का एक यूनिवर्सल एक टेम्पलेट मिल जाता है, तो समझिए आपका ना जो वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन सब चेंज हो जाएगा। दैट विल बी अलाइंड। आप कोई वो चीज चाहेंगे ही नहीं जो अलाइनमेंट के खिलाफ हो। तो जो अलाइनमेंट के साथ चीजें हैं वो चाहेंगे तो क्या आपको क्यों नहीं मिलेगा। दिस इज द मैनिफेस्टेशन, ये लॉ है एक यूनिवर्स का, राइट? आपको मटेरियल रियल में, स्पिरिचुअल रियल में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि अवेलेबल ही मिलने के लिए है। वो यूनिवर्स अपने आप में छुपा कर करेगा क्या, राइट? इट विल हेल्प यू टू फाइंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कामनेस, स्टेबिलिटी, एबिलिटी टू मैनिफेस्ट ऑल व्हाट यू डिजायर। श्री विद्या, मैं श्री विद्या की आपको दीक्षा नहीं दे रही, अगेन मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको उसके बारे में मैं नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है? नॉलेज है, नॉलेज लीजिए और उसको अपनी लाइफ में ढालिए। जैसे यूनिवर्स जिस तरीके से आपके ऊपर कृपा करना चाहेगा, मैं आपको उस तरीके से आपको बताऊंगी और वो आपके ऊपर कृपा होगी। अगर आप इस वेबिनार में आए, सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि ये हर कोई ना आता नहीं है, ये कृपा सबके ऊपर नहीं होती है, एक टाइम होता है, राइट? मैनिफेस्टेशन का तो ये मैनिफेस्टेशन टाइम है, जिसकी किस्मत में होता है उसको मिल जाता है। और मैं देख रही हूँ यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिनको ये पता है। तो हम श्री यंत्र को श्री विद्या के बारे में समझेंगे कि हिंदू तंत्र में श्री यंत्र को श्री विद्या के रूप में कैसे जाना जाता है और कैसे अचीवमेंट होती है। और हम इसको एक लेमैन के रूप में भी समझेंगे कि अगर हम श्री विद्या के रूप में इसको नहीं समझते, एक एज अ लेमैन, एज अ साइंटिफिक माइंड, आप इसको कैसे समझेंगे और इसके अंदर मैनिफेस्टेशन आप कैसे करेंगे। अगर आप एक हीलर हैं और अगर आप ये साधना नहीं कर रहे, तो इसका नाम लेते ही आपके अंदर क्या साधना चली जाती है, उसका क्या इफेक्ट होता है, उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होता है और आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, वो नॉलेज मैं आपको दूंगी, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट श्री यंत्रा एक्टिवेशन। मैं आपको इस कोर्स के बारे में और भी पूरा बता देती हूँ। और उससे पहले आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप प्लीज रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क। जी तबीशा जी, बताइए।
मैम ये कोर्स बेसिकली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए है। बिल्कुल मैम, ये कोर्स अपने आप को सबसे पहले करेक्ट मोड पे, देखिए हम सब हीलर बन जाते हैं, लेकिन हम सबकी साइड बाय साइड हीलिंग हमेशा होती रहती है, हम भी तो इसी संसार का हिस्सा है ना। सबसे बिल्कुल पहले अपने आप को हमें हील करना चाहिए, ये आपका टेम्पलेट है, लेकिन आप अपने आप को ठीक करने के बाद आप पूरे संसार को बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं। मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूँ, तो मैं मैम, सिर्फ जैसे ये एक्टिवेशन हम पहले अपने अंदर करेंगे, नॉट एक्सटर्नल, आपको इंटरनल हम इसको अपना एक्सपीरियंस करना एक्टिवेशन, पड़ेगा, यही तो मजा है मैम। यही पहले आप एक्सपीरियंस कीजिए, फिर सबको एक्सपीरियंस कराइए, राइट? और आपने यही तो एक्सपीरियंस कर मजा है। लिया तो फिर उसके बाद सब लोग अपने आप आपके पास आते हैं एक्सपीरियंस करने, कि मैं वही एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। ये जो आप स्टेट में रहते हैं ना, आप कैसे हो आपके साथ, आप मेरा ये बिल्कुल ओम बोलना भी सिखा देना। मैम सबको सिखाएगी, आप जो बोलेंगे। हमारे साथ तो इतने सारे बुद्धिजीवी हैं, मैं तो हिमेंद्र जी को देखकर बहुत खुश हूँ कि इतनी मुझे ग्रेट एनर्जी, इनकी ऑरा मुझे साफ नजर आ रही है। नहीं, इन्होंने अभी जो बातें बोली ना, इनकी बातों से इनकी साउंड वाइब्रेशन ही इतनी पॉजिटिव लग रही बहुत थी। पॉजिटिव है, तो हम सब मिलकर सीखेंगे एक दूसरे, आप मुझे सिखाइए मैं आपको सिखाऊंगा, हम सब मिलकर सीखेंगे, इतना जबरदस्त साइंस है ये। विजय शर्मा जी बताइए मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, मैम, जैसे फिर क्या श्री यंत्र स्टार्ट कहाँ से, ड्रॉ करना भी सिखाएंगे कि? मैम ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगी, थोड़ा इंट्रिकेट है क्योंकि इसके अंदर ना एंगल्स वगैरह का, लेकिन आपको मैं एक प्रिंट आउट दूंगी, सिर्फ आपको वही जरूरत होगी और इसके बाद सिवा किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। मैं नहीं, आपको जैसे ये तो बताऊंगी कि पहले क्या बनता है फिर क्या बनता है, ये सब मैं बताऊंगी, हाँ, वही लेकिन जैसे आप ड्रॉ खुद नहीं कर सकते क्योंकि एंगल प्रॉब्लम आ जाएगी, ये ओके एक कैलकुलेटेड ड्रॉइंग है, ठीक अच्छा। है? इसका कैसे उत्पत्ति हुई, कहाँ से शुरू हुआ, तो कौन सा ट्रायंगल पहले आया, किस ट्रायंगल का मतलब क्या है, वो तो मैं आपको पूरी डिटेलिंग में बताऊंगी, कैसे मतलब इसके बना नहीं इंटरसेक्शन सकेंगे हम, है पॉइंट्स। ना? मैम आप ना बना सकते हैं, मैं आपको पूरी नॉलेज दे दूंगी, आपको बनाना है आप बनाइए ना, आपके पास तो पूरी नॉलेज होगी, ओके मैम, ओके, थैंक यू। ठीक बस है यही जी? थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ओके, थैंक बिल्कुल यू मैम। बिल्कुल मैम, क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ, आज से 5-6 साल पहले मैं एक इनिशिएशन ले रही थी मरकबा की, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं मरकबा के बारे में, बहुत हमेशा बात करती हूँ मरकबा की, और आपको मालूम है मरकबा इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ श्री यंत्र। अब जो मैं जिनसे इनिशिएशन ले रही थी, वो जो मेरे गुरु हैं, उनको जब अपनी इनिशिएशन हुई थी तो वो ना पेंट करने लगे थे, मरकबा श्री यंत्र वो पेंट करने लगे थे, वो कोई सिंगर नहीं थे, वो कोई पेंटर नहीं थे, अपने आप उनके हाथ चलने लगे, वो बहुत बड़े पेंटर बन गए, अपने आप वो हर एक इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे म्यूजिक का, बिकॉज क्यों बजाने लगे, उन्होंने मुझसे अपनी सारी कहानी साझा की, कहते ये एक अचानक एक मिरेकल हुआ, आपको मालूम है वो मिरेकल क्यों हुआ, बिकॉज ही वॉज डूइंग मेडिटेशन ऑन श्री यंत्र और उनकी सारी एनर्जीज अलाइन हो गई। आज अगर हमारी सारी एनर्जीज अलाइन होती है ना, तो ये सारे जो क्रिएटिव रोल्स होते हैं, जैसे मैम आप सीखना चाहती हैं ड्राइंग ऑफ श्री यंत्र, वो सारी गुण आपके अंदर आ जाते हैं अचानक। तो मेडिटेशन भी सिखाएंगे मैम आप? यस ऑफ कोर्स, दिस इट इज अ पार्ट, होल ओके 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 सोल पार्ट। जी ओके। ठीक है जी मैम जी, शीला शीला मैम मुझे एक बात पूछनी थी। जो वो सीड है, जी, जब वो स्पाइरल बन के एक्सपैंड होने लगता है, डज इट गो साइडवेज और डज इट मूव अपवर्ड्स आल्सो लाइक अ कोन? मैम आप एक पेड़ को देखिए, वो साइडवेज जाता है, रूट्स उसकी ऊपर जाती है, कहाँ जाती है, वो हर तरफ जाएगी, वो एक जो पृथ्वी है ना उसका जो कोर है, लेकिन उस कोर के अराउंड पूरा स्फेयर बनता है, वो ये एनर्जी होती है, वो ना साइडवेज जाती ना कुछ, वो एक मंडल है, मैंने आपको मंडल बोला ना, मंडल का मतलब बीच में सीड होता है, लेकिन जब वो सीड का उत्थान होता है, उसको उत्पन्न होता है, वो पूरे को लेकर उत्पन्न करती है, चारों तरफ से हर वे में ग्रो करती है, ना आगे ना पीछे ना ऊपर ना नीचे, कोई दिशा नहीं, पूरा एनकम्पास करती है, ठीक थैंक है यू। जी इंद्राणी जी? मैम, जो आप बिग बैंग थ्योरी बोले बोला था ना, हाँ तो जी इसमें थोड़ा दिक्कत है। मैं कि आर्ट्स बैकग्राउंड से ही हूँ, बिल्कुल मैम तो थोड़ा ये जानना जरूरी है कि बिल्कुल आप साइंस बैकग्राउंड से ही मीन्स इसको जानेगा या मैम, साइंस बैकग्राउंड से भी कॉमन? मैं आपको बताऊंगी,
ओके ओके, मैं ज्वाइन देखिए किया है मैम, मैं ये मैम, फिर कोर्स तो क्या आपके साथ ऑलरेडी ज्वाइन बहुत किया। मजा आएगा क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, हम नहीं, स्पिरिचुअल मैं ग्रुप। आर्ट्स आर्ट्स अच्छा, बैकग्राउंड से, मैं आर्ट हिस्टोरियन हूँ मैम। अरे वाह, वंडरफुल मैम, हाँ वंडरफुल। देखिए कितने मतलब कितने क्रिएटिव लोग हमारे साथ हैं, कितना मजा आएगा इस जर्नी में, क्योंकि जब सबकी हाँ नॉलेज एक साथ मिलकर रोशनी डालेगी ना एक इस एस्पेक्ट पर, आप सबको पता चलेगा ये है क्या। मैम, ये मीन्स मैं थोड़ा बिग बैंग थ्योरी थोड़ा ये पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा इतना साइंटिफिकली वो नहीं है, कैलकुलेट कैसे मैम कैसे ये देखिए कितना मैं थोड़ा साइंटिफिकली बहुत। सब हाँ उतना ही बताऊंगी जितना इससे रिलेटेड है, राइट, ओके ओके क्योंकि इसके अंदर हाँ बहुत सारी बातें हैं। तो ये हम साइंटिफिक क्लास नहीं करी, मैं बिग बैंग के बारे में नहीं, लेकिन हाँ जो एक हाँ मेन कॉन्सेप्ट है ना कि कहाँ से और हमने इसके इसको कहाँ से रिलेट किया, वो सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे, हम लोग इस युग में रह रहे हैं जहाँ पे एविडेंसेस ऑन द यू नो क्लिक ऑफ अ बटन है। हमने इंटरनेट का बटन दबाया, हमारे क्लिक हुआ और सारी इंफॉर्मेशन आ गई, राइट। तो ये सारे एविडेंसेस हमारे सामने ऑलरेडी है, मैम बाकी सारी क्या बात। हाँ एक बताइए। पेंटर है ना मैम, इसके हिसाब से आप जो ड्रॉ किया था ना उसके हिसाब से ही पेंट करते थे वो पूरा, हम भूल गया था 17-18 सेंचुरी का वो है, वो जी पूरा पेंटर सिर्फ इसके पर ही डिपेंड करता था। मीन्स पेंटर मीन्स जो आप बनाया था ना उसी आकार पर ही बनाते थे, मीन्स मैम उसका वो ही सबका वो रियलिटी, पेशन ही था मैम क्योंकि मैम वो एक तो। रियलिटी है ना, वो रियलिटी ना हाँ हाँ हर तरफ से ना अपने आप को प्रेजेंट करती है मैम। ओके ओके जो एक हाँ रियलिटी हाँ होती है, चाहे हम कहीं भी रहे, चाहे मून पे भी रहेंगे ना, मून पे भी रियलिटी तो वही रहेगी ना मैम। आज अगर हम मून पे रह रहे हैं तो मून पे भी ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी मून इज यू नो सर्किलिंग अराउंड अर्थ, एंड मून ओके एंड अर्थ आर टुगेदर सर्किलिंग अराउंड सन। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर इन ग्रेविटी, एक ऐसा सच है, और जो सारी शेप्स बना रहे, इस बिग बैंग ने किसी चीज को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है। किसने पकड़ के रखा हुआ है? न्यूटन ने बताया किसी चीज को फोल्ड करने की जो ताकत होती है, दैट इज ग्रेविटी। हर कोई चीज अपने एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटी डालती है, लेकिन इट डिपेंड्स व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी इज इक्वल टू जो दो चीजों की ग्रेविटी होती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, राइट। अब जो दो प्रोडक्ट है उनके मास क्या है, छोटा बड़ा क्या आकार है, सन की ग्रेविटी अर्थ से कितनी होगी और हमारी ग्रेविटी सन से कितनी होगी, हमारा आकार अर्थ के मुकाबले कितना है, ग्रेविटी तो सन की हम पर भी पड़ रही है लेकिन वो इतनी मिनिमल है, और उसका जो इफेक्ट ग्रेविटी की वजह से आ रहा है तो हमें वो कोई और ही आकार दे रहा है, राइट। और वो जो ग्रेविटी है ना मैम, वो एक अचूक सत्य है जो इस पूरे ब्रह्मांड में है, और जो वो शक्ति है दैट इज द कॉस्मोस एंड दैट इज द श्रीयंत्र, यस यस हाँ राइट। आप सोचिए, यस इस बात पे विचार करिएगा मैम। जी, और बताइए, और किसको पूछना है कुछ इसके थैंक यू बाद मैम, में? बहुत बहुत अच्छा। प्लेजर ऑल मैम, माइंड मैम। मैं आपसे अब इस कोर्स की डिटेल्स शेयर करती हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मीन वाइल किसी को कुछ पूछना है तो आप प्लीज देखिए। एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है बताइए। नाउ आई एम शेयरिंग दिस पीपीटी विद यू, द एवरी डिटेल अबाउट दिस कोर्स। हमारा इंस्टीट्यूट बहुत ही, देखिए राजीव सर ने ये इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है और इतने अच्छे मन से किया है। मैं राजीव सर के साथ और गुरुजी ज्ञान के साथ डे वन से कनेक्टेड हूँ। गुरुजी ज्ञान है, दिस इज द सिंगल प्लेटफॉर्म मैंने जो देखा है जहाँ पे बहुत इतने रीजनेबली सबके लिए अवेलेबल है, सारी नॉलेज अवेलेबल है, राइट। गुरुजी ज्ञान में पूनम मैम और राजीव सर, इनका जो इनिशिएटिव है इतना महान इनिशिएटिव है, ना जाने कितने लोगों को उन्होंने इतनी सारी नॉलेज के एक पाथ, मतलब दे आर दी कनेक्टर्स, और ये एक डिवाइन कनेक्शन होता है। आज हम गुरु जी ज्ञान के साथ जुड़े हैं, देखिए आप सब के अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे सब में शेयर करे हैं।
कि गुरुजी ज्ञान के बाद जुड़ने के बाद लोगों में जो लाइट ऑफ नॉलेज आई है ना, उनकी लाइफ तभी मिरेकल में बनती है जब कोई नॉलेज की लाइट आती है हमारी लाइफ में। शिखा जी आपने हैंड रेस कर रखा है, पहले मैं आपको लेती हूँ फिर मैं आगे बताती हूँ। मैम, बस मुझे पूछना था, मुझे वो जैसे थर्ड आई मेडिटेशन करती हूँ तो मरकबा का सिंबल बहुत दिखता है, तो मैम आपकी मैम रियलिटी आप है उसके बारे मरकबा में भी कराओगे गुरु जी। एक्टिंग? जी मैम एक्चुअली ये आपकी रियलिटी है, मैंने आपको यही बताया, इसके बारे में डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये मरकबा है, इट इज ऑल अबाउट श्री यंत्र, ये जो सीड ऑफ लाइफ से आया है, ये इसका जो शेप है इट रिलेट्स टू द ट्री ऑफ लाइफ, सीड ऑफ लाइफ, राइट, फ्लावर ऑफ लाइफ। तो ये सारी जो शेप्स हैं, दे हैव कम आउट ऑफ श्री यंत्र, श्री यंत्र से 64 यंत्र बने हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 64 यंत्रास, इसके अलग अलग पार्ट है हमारे आगे, गणेश यंत्र, आप दुर्गा यंत्र, आप बहुत सारे यंत्र की बात करेंगे जो हमारे सारे सनातन धर्म में, इतने सारे नॉट सनातन, आई एम सॉरी, हिंदुइज्म में बहुत सारे यंत्रास हैं, लेकिन उन सबका एक जो कॉम्बिनेशन है इट इज अ श्री यंत्र। तो आप जब मेडिटेशन करते हैं आपको एक सच्चाई नजर आती है, दिस इज योर यू नो ब्लू प्रिंट, आपका जो हमारी ह्यूमन ब्लू प्रिंट है इट इज द मरकबा जो श्री यंत्र से आता है, वो आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो आप प्लीज, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गुरुजी ज्ञान हमारा ये पोर्टल है, आपको इस कोर्स के अंदर कनेक्ट होना है, दीज आर द नंबर्स यू कैन ऑलवेज कनेक्ट। ठीक है, और दिस इज द क्लास अबाउट श्री यंत्र एक्टिवेशन बाय ग्रैंड मास्टर हीलर शिल्पी गुप्ता, जो मैं हूँ, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही दिया है। इसके अंदर हम डे वन में करेंगे लॉस ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो मैंने आपसे बात किया है, सेकेंड डे पे हम करेंगे श्री यंत्र एंड द सीक्रेट, इसके बारे में जो सीक्रेट है मैं थोड़ा सा आपको रिवील करूंगी, जो मैंने वैसे तो आज काफी आपको बता ही दिया है कि श्री यंत्रा का क्या है सीक्रेट, इट इज द साउंड ऑफ ओम, जो हमारे ब्रह्मांड में है, जो सच्चाई है, लेकिन और जो इसके आगे है जैसे क्वांटम फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे, फिर हिंदू धर्म से श्री यंत्रा को हमने कैसे कनेक्ट किया जिसको हमने श्री विद्या का नाम दिया है। ठीक है, हिंदू धर्म से आप कैसे कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे 10 महाविद्या की, 10 महाविद्या ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारी विशेष होती है इन ह्यूमन फॉर्म, जो हम पर्सोनिफिकेशन ऑफ देवी है उनको हमने 10 अलग अलग फॉर्म में लिया है, और उनकी मैनिफेस्टेशन एक साथ श्री विद्या है, और अलग अलग उनकी मैनिफेस्टेशन जो हम जैसे अब नवरात्रे आते हैं या फिर अब नवरात्रे आने वाले हैं, हर नवरात्रे पे हम किस देवी की आराधना करते हैं, कैसे कैसे आपको क्या करना है, तो हमें क्या अचीव होता है, इट इज अबाउट दैट 10 महाविद्या। ठीक है, देन फिर कंटिन्यूशन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ चक्र, श्री चक्र, तो मैं आपको श्री चक्र एक एक पार्ट उसका डिटेल में बताऊंगी, जैसे पहले मुझसे मैम ने पूछा कि आप मुझे बनाना सिखाएंगे, डेफिनेटली मैं आपको ड्रॉ करना नहीं सिखाऊंगी, लेकिन बिंदु से लेकर उसके बाहर तक का पार्ट वो मैं डेफिनेटली बताऊंगी, उसका मतलब क्या है, वो हमसे कैसे रिलेट होता है, उसकी कैसे एक एक कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, ह्यूमन बॉडी का कॉरेस्पॉन्डेंस श्री चक्र से कैसी है, श्री चक्र यंत्र है और ह्यूमन बॉडीज के जो चक्रास होते हैं उनके ऊपर हमें कैसे साधना करनी है, श्री चक्र से अपना पीनियल ग्लैंड को कैसे एक्टिवेट करना है, आई विल टीच यू दिस टू हाउ टू एक्टिवेट योर पीनियल ग्लैंड्स, देन साउंड्स ऑफ श्री चक्र, जो साउंड्स है ना हमारे, इससे मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करूंगी, आप सबको बताऊंगी आपके एस्ट्रोलॉजिकल डाटा के आधार पर आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, बहुत छोटा सा मंत्र आ जाता है। ठीक है, आप सबके अपने पर्टिकुलर, मैम एक क्वेश्चन है पूछना बताइए है बताइए मैम। मैम, जैसे अभी आपने मुझे सही 10 महाविद्याओं के बारे में जैसे अभी जिक्र किया, तो जी क्या आप इन्हें हमें सिद्ध करना भी सिखाओगे? देखिए, मैंने गुरु दीक्षा यही नहीं दे मेन रही, चीज है, मैं सिद्ध सिद्ध आप अपने आप करेंगे, मैं तरीका आपको तरीका बताऊंगी। बता दोगे ना? देखिए, तरीका सिद्ध करने का आपको क्या लगता है, सिद्ध क्या करना क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र नहीं होता तमीशा जी, सिद्ध करने का मतलब उसके बारे में नॉलेज होकर आपको उसको कैसे मंत्रों के माध्यम से एक्टिवेट करना है। जी हाँ, मतलब लेकिन उन्हें किस तरीके से उच्चारण करना है, किस बिल्कुल तरीके मैम, से मैं सब करना है? ठीक बताऊंगी, बिल्कुल सब बताऊंगी। ठीक है है, थैंक यू जी, जी, थैंक यू। देन उसके बाद मंत्र साधना, मंत्र साधना साधना में हमारा आता है खड़गमला मंत्र। ठीक है,
फिर उसके बाला सुंदरी मंत्र, त्रिपुरा सुंदरी, ललिता सहस्रनाम, पूरा सब कुछ आता है। मैं आपको उसके बारे में नॉलेज दूंगी, जरूरी नहीं है आप सब वो करें, मन है आपका करिएगा, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मैं आपको वो बताऊंगी उसके अंदर, ठीक है। फिर फूड लाइफ स्टाइल एंड प्रैक्टिस, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत आसान तरीके से इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जो एज अ लेमैन हम लोग उसको अपनी लाइफ में धारण करें और बहुत इसका बेनिफिट ले। मेरा मकसद इस क्लास का यही है, इस कोर्स का मकसद, कि एक लेमैन अपनी लाइफ में मिनिमल फॉर्म में लेकिन एक रियलिस्टिक फॉर्म में श्री यंत्र को कैसे ऐड करें, प्रैक्टिकल लेवल पे उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, सो देट हमें कोई आडंबर ना लगे लेकिन हमें उसको सच्चे वे में उसको प्रैक्टिस करें, जो हमारा सार है, हमारी ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है, ठीक है। देन आई टेल यू अबाउट सम मुद्रास ऑफ श्री चक्र, श्री यंत्र, क्योंकि मुद्रास बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर्स होती है हमारी बॉडी का। हमें देखिए, हमारी जो ह्यूमन बॉडी, मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, हमें इसका यूज करना नहीं आता, हमारे पास इसका यूजर मैनुअल ही नहीं है। आपको मालूम है इस फिंगर का क्या काम है, इस फिंगर का क्या काम है, आप तो बस अभी जो जो आप जैसे एनिमल होता है ना, उसको जो यूज आ गया हम तो बस वो काम कर ले। डू यू नो वॉट इज द एनर्जेटिक यूज ऑफ दिस हैंड, ये एनर्जी क्या कर रही है, इस लेफ्ट हैंड से क्या हो रहा है, राइट हैंड से क्या हो रहा है। आई टेल यू दैट, मुद्रा बताऊंगी जो हमारी चीजें एक्टिवेट करती है, सिंपल रिचुअल्स एंड वर्किंग विद श्री यंत्र, देन मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन, दिस इज ऑल अबाउट दिस कोर्स। हम इस कोर्स के अंदर ये सब सीखेंगे। देन ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 17 अप्रैल से, क्लास की टाइमिंग वेडनेसडे एंड फ्राइडे रहेगी 7:30 बजे शाम को, ठीक है। 2 महीने का कोर्स है, सारी लाइव सेशंस होते हैं, आप सबको मालूम है, डाउट क्लियरिंग सेशन साथ के होते हैं, हमारी प्रैक्टिकल केस स्टडीज होती है, और एकेडमी में मेंबरशिप, जैसे आप फर्स्ट टाइम है तो आपको मेंबरशिप भी मिलती है, आपको मेंबरशिप का बेनिफिट मिलेगा और साथ में सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। एक बार आप इसको दोबारा रिपीट कर पाएंगे फ्री में, अगर आपने जैसे अभी ज्वाइन किया है तो जब नेक्स्ट ये दोबारा रिपीट होगा, आप फॉर वन वन मोर टाइम यू कैन रिपीट इट फॉर फ्री, ठीक है। स्टडी नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, और एक कंप्लीट होने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अब आते हैं इसके चार्जेस के बारे में। फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स, वैसे तो ये कोर्स 7100 का है पर मंथ, आफ्टर डिस्काउंट इट विल बी 4500 पर मंथ, 2 महीने का कोर्स है। फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स दिस इज फॉर 7100, बट आफ्टर डिस्काउंट यू विल गेट इट फॉर 3500 पर मंथ, ठीक है। ये आप प्लीज इस चीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हैं, आपको यहाँ पे सारी बैंक डिटेल्स शेयर कर दी गई है। लिमिटेड सीट्स है, आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, आप प्लीज, दिस इज द मोबाइल नंबर, आप एनरोल योर सेल्फ एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल कोर्स, मौके का फायदा लीजिए। मैं ये लेकिन 3500 रुपये 1 महीने के हैं, हाँ जी, 3500 फॉर वन मंथ, यानी कि 7000 रुपये हो गए 2 महीने के। डेफिनेटली मैम, दिस इज द रीजनेबल वन। और मुझे नहीं लगता कि, देखिए, मनी इज दस दी नंबर, राइट, तो विद्या है, दिस इज व्हाट यू आर रिसीविंग। तो किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है, मैं ये वाला स्क्रीन यहाँ पे रख रही हूँ अभी, यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट दीज नंबर्स फॉर फर्दर डिटेल्स। किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है, मैं चैट पे देखती हूँ, सॉरी मैंने चैट नहीं, क्योंकि जब वन मैं मंथ ले रही कोर्स हूँ, है या 2 मंथ कोर्स है? ये 2 मंथ कोर्स है मैम, और ये फीस टोटल 2 मंथ्स की है ना, 3500? नहीं मैम, ये 1 मंथ फीस है, आपके 2 महीने का कोर्स है तो आप इसको इंटर टू कर लीजिए, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस, आप सबने ये ले लिया होगा आई बिलीव, इसका आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, मैडम, जैसे ही ये कोर्स आया था तो जी उसी दिन ज्वाइन कर किया था, उसका पेमेंट भी किया था, तो और आगे कौन सा पेमेंट करना है? नहीं, सर अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो इट इज ओके, आप शायद ग्रुप में होंगे, फिर इसका ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है, हाँ, जी सर। एक ग्रुप है मैंने, लेकिन मैडम वो 31st से चालू होने वाला था, 31st से आज तक वेबिनार था इसका सर, ऐसा क्या? ओ मैडम जी जी ना, रेशमा मैडम जी, उन्होंने ऐसा बताया था 31st से ओके, चालू बाय होने चांस वाला उनसे है। मिस्टेक, देखिए आज चालू वो है तो सब मैडम, जी, ये देख, ये भगवती की ही कृपा है, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था, क्योंकि 1 से 15 तक मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। देखो, भगवती ने ओके कृपा की, 17 अप्रैल से चालू किया।
देखिए बिकॉज नवरात्रे आ रहे हैं, सब लोग अपनी साधना में होंगे, मैं भी अपनी साधना में जी हूँगी, मैडम, हम सब भगवती के जी 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 उपासक हाँ हैं, तो इसीलिए तो भगवती ने जैसा चाहा वैसे ही हुआ। तो देखिए 17 अप्रैल से बिल्कुल इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ, हम सब अभी उपासना में ही बिजी हैं, तो बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत एनर्जी मिलेगी, तो 17 अप्रैल से आप ये स्टार्ट होगा, आप ये कोर्स, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, माय हम्बल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस कोर्स, और बहुत मजा आएगा। तो आप सबने ले लिया होगा, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो आई नहीं मैडम, कोई सपोज, क्वेश्चन नहीं, मेरा तो भी चलिए कोई ठीक, क्वेश्चन नहीं। चलो थैंक यू सो मच सर, लेकिन आप प्लीज बताइए, मैं आपका फीडबैक चाहूंगी। वैसे सबके विंडोज बंद है अभी, थोड़ा सा ये मुझे अजीब लग रहा है, प्लीज ओपन योर विंडोज सो देट हम लोग कनेक्ट कर पाए। तो अभी शिखा जी मुझे दिख रही है, शिखा जी चलिए आपसे भी बात मैडम करते हैं। जी सर बताइए मिन्सी। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, अलग टाइप का कुछ सीखने को मिला है, उसका आनंद आता है। जी सर थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा और लगता है ये। जी सर जब हम सर्विस में आते हैं किसी की। आपने बहुत अच्छा मैडम, जो समझ में आता है ऐसा, तो कई कई जी बार कुछ समझ में नहीं आता, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा, बहुत थैंक यू, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू सो मच हेमेंद जी, देखिए वैसे एक चीज मैंने है मैम, जी आपसे ना हमेशा कुछ एक यूनिक चीज ही मिलती है, प्रैक्टिकली जी मैं आपको बता रही हूँ। कविशा जी, ये आपकी मैनिफेस्टेशन है और मैं आपने आपको मुझसे सच बताऊं, कहा मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि आज ये यस वेबिनार है। मैडम, मैं हमने ऐसे ही खोला जो मैंने ज्वाइन, अपना व्हाट्सअप, और अच्छा ऐसे ही एकदम से दिखा और मैंने तुरंत ज्वाइन किया। मैं अपने फ्रेंड के साथ कॉल ओ पे थी एक्चुअली, मैंने बोला तू कॉल रख, मुझे अटेंड करना है अभी। चलिए तो देखिए जो ये किसकी कोर्स किस्मत में एक्सेप्टेड था जी मैडम, जो एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड था कोर्स से, जी सर वही मिल रहा है, जी। इसका ज्यादा आनंद आ रहा है हमको। अरे वाह थैंक यू मैम सो मच सर। अद्भुत जी सर आज जी का ज्ञान, मैम बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऐसे अंक तक, पर उसके पीछे का राज आज हमें पता चला। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, जी थैंक यू सो मच थैंक सरला जी यू। फॉर योर नहीं काइंड मैम, मुझे तो वर्ड्स आज पता चला हमारे ये स्वर, प्रैक्टिकली जी, मैं अपनी बेटी को भी बताऊंगी, अभी वो अपने बिल्कुल नंबरिंग कर रही है, मैं अच्छा बेटिंग को अभी स्कूल का, स्कूल का पहला दिन है ना, कॉपियों पे नंबरिंग कर रही है, मैं जी उसे भी जी बताऊंगी बेटा ये स्वर ना ये ओम है। इनफेक्ट मैं सभी, मेरे भी स्टूडेंट है, मैं भी पढ़ा रही हूँ, मैं कल से अच्छा उनकी सारी बता वंडरफुल। दूंगी। देखिए देखिए यही है बिग बैंग थ्योरी, एक होती है कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वाइब्रेशन, और पूरे वर्ल्ड में इस वाइब्रेशन की गूंज सुनेंगे हम। जी कमलेशी यू आर वेलकम, बिल्कुल अभी आप कहाँ पर हैं सर, अभी आप इंडिया में आपने नहीं है। जो इट्स रियली रियर, वंडरफुल, बड़ा थैंक यू मैम, साइंटिफिक है रियली वेरी एक्चुअली, नाइस मैम, अकल साइंस विद दिस इज माय श्री बहुत अंद्रा। सुंदर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, प्लीज लेकिन आप वन बाय वन हम हैंड रेस करके हम बात करेंगे तो हम एक दूसरे की सुन पाएंगे। तो लेट अस फॉलो दिस। एसके जी बताइए आपका नाम। मैम थैंक यू बोलना था आपको, और ये इतना साइंटिफिक है, मतलब लाइक हम अकल साइंस को एक जादू, बहुत सारे लोग इसको बस मिथ्स के थ्रू जानते हैं, राइट बट राइट जैसे मैम आपने श्री अंतरा और उसका जो साइंटिफिक वैल्यूज हैं, और जो जैसे साइंटिफिकली ये चीज प्रोग्रेस हुई है, हम हमारे वेदों से और उससे आया है चीजें, जो आपने एक्सप्लेन किया, इट वाज वंडरफुल मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया। और चूंकि ये चीजें लिंक्ड हो रही हैं और नॉलेज अभी आ गई है नेट पे, तो लोग उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाई भी कर पाएंगे कि आपने जो बताया वो कितना वर्ड बाय वर्ड सही है। जी जो मैम आपने एक्सप्लेन किया वो, मतलब इट्स लाइक मैं वर्ड्स अभी नहीं मिल रहा, बट बहुत बढ़िया से, बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच मैम। रियली एक्चुअली साइंटिफिक आप मैम। सबके जैसे ही मेरा भी माइंड है, जिस चीज को लॉजिकली दिल नहीं मानता तो वो आगे नहीं कंटिन्यू हाँ करता, मैम, लेकिन जिस चीज को लॉजिक समझ जाता है ना तो वो फिर रुकता नहीं। वो रुकता नहीं है फिर, बिल्कुल। जी जी थैंक यू बट सो अकल मच के मैम लिए जो लोगों की धारणा बनी हुई ना, वो जी भी इसके थ्रू कट वो होती है, ब्रेक होती है कि हाँ नहीं बिल्कुल ऐसा मैम नहीं बिल्कुल परफेक्ट, आप बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं जी मैम। देखिए हम कभी भी एक माइंडसेट से अपनी लाइफ को नहीं चलाते। साइंस क्या जी है, साइंस इज अबाउट ग्रोइंग। जब तक हम किसी ट्रुथ को, किसी भी जो आज हमारे लिए ट्रुथ है, हम उसको गलत साबित करके उससे और ऊपर बढ़ते हैं, दिस इज साइंस और हाँ जी, हाँ जी है ना। बिल्कुल, साइंस को ग्रो तो तभी कहेंगे ना कि जो आज हम है उसको गलत करेंगे और उससे और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे, यही अकल साइंस है, यही स्पिरिचुअलिटी है। तो यही स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच थैंक यू, एवरीवन, और थैंक यू सो किसी मच। या और कोई अपनी बात मन की बताना चाहेंगे तो ऑल ऑफ यू आर गौरव वेलकम। मैडम, जी इंद्रानी जी।
बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा लगा आपका कोर्स ये जानकर। बहुत मे तो एंट्री हो ही गया, और पढ़ाई करने के जी लिए और ज्यादा जानने के लिए मीन्स बहुत याद आया है कि ऐसे होगा डेफिनेटली, क्लास। हाँ मैम थैंक यू इंद्रानी जी, आई ट्राई माई बेस्ट। देखिए मैं हर चीज को ना सिंपल बनाकर ही आपको प्रेजेंट करूंगी, सो दैट सिंपलिसिटी में ही हम सब लें, ओके राइट ओके इसको, क्योंकि जितना सिंपल होगा ना, आप देखिए हम किसी चीज को इंट्रिकेट अपने आप करने की क्षमता हम सब में बहुत है सिंपलिसिटी हाँ मैम में, लेकिन जब हमारे अंदर वो एब्जॉर्ब होता है तो वो अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है। तो आई जस्ट वॉन्ट दिस मल्टीप्लीकेशन, आप सब लोग बहुत ज्यादा केपेबल हैं, यू ऑल आर इंटेलिजेंट बींग्स, राइट? तो सिंपलिसिटी मैम, में आपसे रहिए। हमने पहले भी बहुत कुछ सीखा है, और वो मैं अभी भी अपनी हीलिंग्स के अंदर ट्राई कर रही हूँ, और मैंने उसके रिजल्ट भी देखे हैं। जी तबीशा जी, थैंक यू सो मच आपने फॉर पीछे क्रिस्टल अप्लाइंग। के अंदर, नहीं मैं सीरियसली मैम, इतने मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मैंने देखे हैं। एक जी छोटी सी बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ, आप जी इसे प्लीज सुनना। एक छोटी सी बात, जी मैम, आपने पिछली बार हमें वो डिवाइन प्रोटेक्शन का साइन सिखाया था 5 सिंबल में, जी आप मैम, ये सोचो मैंने उसे कितनी बार हर जगह अप्लाई किया है। मतलब कई बार तो मेरी ऐसी लंका लगी होती है कि हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं तुरंत वो डिवाइन प्रोटेक्शन डालती हूँ, और जी आप सोचो कि इंस्टेंट फर्क मिलता है मुझे। यस मैम, मैं बिल्कुल ये मैम। नहीं कह सकती 5 मिनट या 10 मिनट, इंस्टेंट फर्क होता है। और मैम वो इंस्टेंट इसलिए भी फर्क होते हैं बिकॉज अब आपने अपना मैजिक उसमें डाल दिया, पता नहीं आपको मैम एक बार विश्वास क्या है। हुआ, मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी, मतलब 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैंने सही अपने कही आपने, भतीजे को बोला कि, मेरे भतीजे ने मुझे फोन करके बोला कि बुआ मैं ना वो चलाने जा रहा हूँ स्कूटी, वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलती है ना। अब जी जी मैंने बोला ठीक है चला जा। अब मैं थी लक्ष्मी नगर, लैपटॉप लेने गई हुई थी। अब मेरी आफत होगी, मैं 10 साल के बच्चे को मैंने ये क्या कह दिया। और जी मैम मैं वहां पर ये था कि कैसे घर जाऊं कैसे घर जाऊं, ना मेरी मम्मी का फोन लग रहा क्योंकि उसकी मम्मी मेरे साथ थी, 2 months सर, ड्यूरेशन है तो ऑफ द मैंने क्लास उस इज 2 months। जी हाँ तो मैंने उसको तुरंत प्रोटेक्शन में डाला, और ओके घर गई ना तो मुझे वो घर पे बैठा हुआ मिला। और मैंने बोला तू वाह, गया था, मैंने बोलता नहीं मैं नहीं गया था, और क्योंकि वो बाइक ही नहीं मिली मुझे, तब जाके मेरे जी को शांति मिली। मतलब इस डेफिनेटली तरीके से होता है मैम ये। बिल्कुल होता है मैम, बिकॉज ये रियलिटी है, हम सब इसीलिए कर रहे हैं। आज हमें भी कुछ इफेक्ट मिला है इसलिए हम लोग सब इसी में हैं। नहीं तो मैम कुछ बहुत अच्छी चीज है, मैं तो ये खैर श्री अंतरम में इन्हीं हूँ, मैं तो जी आऊंगी क्योंकि मुझे इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो मैं सोच रही थी वो मुझे मिली है। मैं कई दिनों से सोच रही थी इन सब चीजों वेलकम के वन, लिए। वेलकम ऑल, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू कम एंड लेट अस एंजॉय दिस जर्नी ऑफ श्री यंत्र, बहुत मजा आएगा। मैनिफेस्टेशन जर्नी है, नया बहुत कुछ नया है सीखने के लिए करने के लिए। तो लेट अस मीट, ठीक है, 17th अप्रैल को मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू मैम, गुड एवरीवन, थैंक यू, आपने अपना कीमती समय नाइट मुझे मैम, दिया। थैंक गुड नाइट, गुड नाइट। आई होप सबने ले लिया हो स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीन यू एक बार मैम, फिर से थैंक लगा यू। देती हूँ। थैंक आत्मा यू, नमस्ते मैम, आत्मा नमस्ते, नमस्ते, यू मे प्लीज टेक द आत्मा स्क्रीनशॉट, नमस्ते। आत्मा नमस्ते ऑल ऑफ यू, डिटेल्स आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक ओके या बाय, यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू यू, मैम, थैंक थैंक यू, गुड नाइट मैम, यू, गुड नाइट, गुड नाइट, आत्मा टेक केयर। नमस्ते।